Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल या जावास्क्रिप्ट का कोर्स। ये एक बिगिनर्स कोर्स होगा जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट। आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है और इसे हम यूज़ क्यों करते हैं और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं एक वेबसाइट में और वेब डेवलपमेंट में क्या यूज़ है इसका। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बिगिनर्स जावास्क्रिप्ट कोर्स होगा, मैं शुरू से बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, फिर हम जाएंगे थोड़े जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उनके डेटा टाइप्स और HTML पेज में हम जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के क्या टाइप्स होते हैं और कितने सारे बॉक्सेस होते हैं, पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में, लूप स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप सब ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ाई होगा, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, और वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होता है। तो आप लोगों ने HTML के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि HTML क्या करता है, HTML किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। HTML बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। HTML में आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको आप इंटरैक्टिव नहीं बना सकते। जितनी भी वेबसाइट्स HTML में ही सिर्फ HTML में बनती हैं वो स्टैटिक होती हैं, उनमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शो कर सकते हो, कोई उसे देख सकता है लेकिन कोई उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए आपको करंट डेट डिस्प्ले करनी है अपनी वेबसाइट में, तो आप उसको HTML से डिस्प्ले नहीं कर सकते। HTML में कोई टैग नहीं है करंट डेट का या करंट टाइम का, उसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और आप वही डिस्प्ले कर सकते हैं जो HTML आपको अलाउ करता है। अगर आपको यूज़र इनपुट लेना है तो आप उसको HTML से ले सकते हैं लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। आप सिर्फ इनपुट लेके उसको सर्वर पे भेज सकते हैं, आप फॉर्म की मदद से आप उसे भेज सकते हैं, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको उसे प्रोसेस करना है, या फिर आपने या यूज़र ने कोई गलत इनपुट डाला या कोई इनपुट छोड़ दिया तो आप उसे कैसे प्रोसेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि HTML में आप लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने वेबसाइट पे, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कोई दो नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करना है, तो आप उसे HTML में नहीं कर सकते। और एक बात, आपको HTML पेज सिर्फ स्टैटिक मिलेगा, आप HTML पेजेस को डायनेमिक नहीं बना सकता है। आपको हर बार अगर नए पेज पे जाना होगा तो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा या उस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको उसी पेज में दूसरा वेब पेज देखने के लिए आप HTML यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी वेबसाइट का कंटेंट डायनेमिकली चेंज करना है बिना पेज को रिफ्रेश किए तो आप उसे HTML में नहीं कर सकते। यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके डिस्प्ले करना हो तो आप उसे HTML में नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आप HTML में नहीं कर सकते, जैसे कि आप वेब पेज को डायनेमिक नहीं बना सकते, आप उसे इंटरैक्टिव नहीं बना सकते, तो HTML की ये सारी कमियों को दूर करने के लिए ही जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जावास्क्रिप्ट वो सब कुछ कर सकता है जो HTML नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट पे आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, आप कंडीशन लगा सकते हैं, आप किसी एक ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं वो सब आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप इसे एक वेब पेज में कर रहे हैं, आप वेब टेक्नोलॉजी में ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना है तो आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, उसके बेसिक्स आपको पता होने ही चाहिए। इसीलिए मैंने ये बिगनर्स कोर्स स्टार्ट करने का सोचा जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में स्टार्ट करूँगा, पूरा हिंदी में ही बोलूँगा। तो जावास्क्रिप्ट को कोड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उससे आप स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं वेबसाइट के लिए, जिससे आपका ब्राउज़र रन करेगा रन टाइम पे, तो आप इसे एक HTML पेज पे ही डाल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ये बात जान लीजिए कि जावास्क्रिप्ट को कोई अलग लैंग्वेज चाहिए काम करने के लिए, किसी लैंग्वेज के ऊपर ही काम कर सकता है वो, जैसे HTML हो गया या CSS हो गया। HTML के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को आप अलग से रन नहीं कर सकते।
तो जावास्क्रिप्ट को आप HTML पेज में ही लिखेंगे, और ये डिपेंड करता है कि जावास्क्रिप्ट को आप कैसे बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको HTML में ही लिखना है, आपको उसे HTML से लिंक करना पड़ेगा अगर आप उसे एक्सटर्नली बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप उसे HTML में ही लिखिए या उसे एक्सटर्नली लिखिए और आप उसे एक HTML पेज से लिंक कर दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक्सटर्नली करने का एडवांटेज ये है कि अगर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे वेब पेजेस पे एक ही जावास्क्रिप्ट लिंक करना हो, एक ही जावास्क्रिप्ट रन करनी हो, तो आप उसे एक्सटर्नली बुलाएंगे और सबसे लिंक करेंगे, तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा और कोड ज़्यादा छोटा होगा। जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है एक कोई भी प्रोग्रामर के लिए, कोई भी वेब डेवलपर के लिए, क्योंकि इसमें लगभग सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, चाहे सी से लेके जावास्क्रिप्ट से लेके जेक्वेरी तक। इसमें सारी लैंग्वेजेस के टैग्स और सिंटैक्सेस सारे प्रीडिफाइंड मिलते हैं, और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपने आप इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देता है, और आपको जैसे ही आप कोई टैग या जैसे ही आप कोई फंक्शन टाइप करते हैं, तो ये अपने आप अपने ड्रॉप डाउन में दिखा देता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो बहुत ही ईजी पड़ता है इसमें कोड करने के लिए, इसलिए अच्छा होगा कि आप भी ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से डाउनलोड कर लीजिए और ये यूज़ कर लीजिए अपनी कोडिंग के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। इंटरनल मतलब हम उसी पेज में जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे जो पेज हमने HTML में बनाया है। तो देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम HTML यूज़ करेंगे, उसके बाद हेड में हम क्या डालते हैं। तो सबसे पहले HTML का बेसिक टैग होता है HTML, और आप थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो HTML के अंदर होते हैं हेड और बॉडी, जो सारी जितनी भी डेटा है HTML की वो सारी इन दोनों टैग्स में ही यूज़ होती है। हेड में बेसिकली सिर्फ टाइटल, तो हेड टैग में हम सिर्फ टाइटल डालते हैं, जो कि हमारे ब्राउज़र के स्टेटस बार, टॉप में जो बार होता है ब्राउज़र का, वहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हेड में हम जनरली सिर्फ टाइटल लिखते हैं, जो टाइटल हमारे वेब पेज के स्टेटस बार में डिस्प्ले होगा, सिर्फ वही टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम कोई भी टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर टाइटल देखिए, हम यहाँ पर प्री डिफाइंड टैग आ जाते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पेलिंग भी नहीं पता तो ये भी आपको स्पेलिंग भी बता देगा। तो टाइटल में हम लिखते हैं माय वेब पेज, और आपको इसे क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सारा क्लोजिंग टैग लिख देता है। और जैसे ही आप इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, वह अपने आप ही क्लोजिंग टैग प्रोड्यूस कर देता है, तो आपको इसकी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी तरीका है कोड करने का। तो हमने डाल दिया टाइटल, अब हम डालते हैं बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट डालेंगे। तो जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ इन दो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है, पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, स्क्रिप्ट टैग एक स्क्रिप्ट बनाता है जावास्क्रिप्ट की, जो HTML के साथ या HTML के बाद या पहले भी रन हो सकती है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है। वेबसाइट में जो बेसिक कंटेंट होता है वो HTML का ही होता है, जावास्क्रिप्ट में हम सिर्फ उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड कर देते हैं, जो रन हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन HTML ज़रूर रन होता है, जावास्क्रिप्ट भले ही रन ना हो। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, ये हमको बताएगा कि जो स्क्रिप्ट का टाइप है वो जावास्क्रिप्ट है। ये टाइप करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसे टाइप कर देते हैं क्योंकि हमें डीबगिंग में आसानी होगी। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपल सा एक कमांड लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमको जो भी एक वेब पेज में डिस्प्ले करना है उसका कोड हम यहाँ पर लिख देंगे। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट में
डॉक्यूमेंट मतलब आपकी जो HTML पेज है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है इसके लिए, उस पूरे डॉक्यूमेंट में ये हेलो वर्ल्ड को लिख देगा, राइट कर देगा। तो उस डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली ये हेलो वर्ल्ड को राइट कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा यूज़ करते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। और ये ध्यान रखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है सी या सी प्लस प्लस तो आपको पता होगा कि एक लाइन टर्मिनेटर लगता है सेमीकोलन, जो जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है। आप चाहो तो इसमें सेमीकोलन लगा सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कोई एरर डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे सी या सी प्लस प्लस में लाइन टर्मिनेटर न लगाने से आपका कंपाइलेशन एरर आता था, इसमें एरर नहीं आएगा, वेब पेज वैसे ही डिस्प्ले होगा। लेकिन इजी डिबगिंग के लिए और प्रोग्राम को ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। जैसे हम यहाँ बॉडी में कुछ भी लिख देते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाता है वेब पेज में, वैसे ही आप अगर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो ये भी HTML पेज में लिख देगा जो भी हमने इसके अंदर लिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होता है या नहीं। चलिए हम वेब पेज पे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ है, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट से ही निकला हुआ एक आउटपुट है जिसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर हमने जो भी लिखा था ये पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था। अगर आपको जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो आप कैसे रन कर सकते हैं इंटरनली अपने ही वेब पेज पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जो HTML में कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना होगा तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट पे हेलो वर्ल्ड, जैसा कि सब करते हैं। जैसा कि हर प्रोग्राम का जो पहला प्रोग्राम होता है वो है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड हमने डिस्प्ले कर दिया, तो ये तो टाइप हो गया हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। अब देखते हैं कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। तो जो भी हमने इस जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है, वही हम जस्ट कॉपी कर देंगे या कट कर देंगे। यहाँ से ये पूरा हम कट कर देंगे और एक नई फाइल बनाएंगे, उसमें हम पूरा पेस्ट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने नई फाइल बनाई है उसमें आपने स्क्रिप्ट टैग ऐड ना किया हो। स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं होता है अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं तो, ये ध्यान में रखिए, आपको स्क्रिप्ट टैग ऐड नहीं करना है। जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आएगा, जो भी स्क्रिप्ट के अंदर आएगा वो ही एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में स्टोर होगा। अब देखते हैं कि हम यहाँ लिंक कैसे करते हैं। आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाई, अब आपको उसे लिंक करना पड़ेगा वेब पेज से। तो अब आपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना ली, जैसा कि आपने देखा पूरा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आ गया, कलर्स चेंज हो गए, तो ये जावास्क्रिप्ट बन गई है। तो हम यहाँ पर लिंक करके देखते हैं स्क्रिप्ट टैग। हम टाइप करेंगे यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC और उस फाइल का नाम हम यहाँ पर फाइल पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट को सोर्स कर दिया है, हमने स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो एक्सटर्नली बनाई गई है ये रन करती है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे। तो जो जैसे कि हमने उस फाइल को सेव किया hello.js से, तो यहाँ सोर्स में भी उसी फाइल का नाम आएगा। यहाँ सोर्स में आएगा आपका फाइल नेम .js। तो यहाँ पे हमारा फाइल नेम है हेलो, तो यहाँ पर हेलो लिख देंगे। और जैसे ही हमने सोर्स के अंदर जो भी लिखा hello.js, ये उस फाइल का नाम है जिसमें हमारी जावास्क्रिप्ट स्टोर है। अब यहाँ पे अगर आपकी फाइल कोई और डायरेक्टरी में है, कोई और लोकल डिस्क में है, तो पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने स्क्रिप्ट लोकल डिस्क डी में लिखी है और आपने जो HTML फाइल बनाई है वो लोकल डिस्क सी में है, तो आप hello.js की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका पूरा पाथ यहाँ पे लिखेंगे। और ऐसे ही लिखेंगे तो उसका जो आउटपुट है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये लिंक ही नहीं कर पाएगा उस फाइल से। तो ये पूरा पाथ आ गया इस फाइल का, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये हमारी लोकल डायरेक्टरी में ही है, लेकिन फिर भी हम इसका पूरा पाथ टाइप करते हैं और सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रन होती है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी रन हो चुकी है।
क्योंकि हमने लिंक कर दिया था अपनी एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे, तो ये इसका पूरा आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, मतलब कि हमारी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है, हमारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारी जो JS फाइल है वो लोकल डायरेक्टरी में है, तो हम इसका पूरा पाथ डिलीट कर देते हैं और फिर से सेव करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं। तो इस बार भी वही आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो फाइल है HTML फाइल और आपकी JavaScript फाइल दोनों ही सेम डायरेक्टरी में हैं, तो आपको उसके पूरे पाथ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका फाइल नेम लिख दीजिए और वो लिंक हो जाएगी। तो ये था बेसिक डिस्क्रिप्शन आप JavaScript कैसे लिख सकते हैं एक वेब पेज में। तो इस ट्यूटोरियल इस पार्ट में इतना ही। सबसे पहला पार्ट था JavaScript का इंट्रोडक्शन, JavaScript क्यों यूज़ होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या क्या कर सकता है, और हमने ये भी देखा कि JavaScript को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक वेब पेज में। दो टाइप के JavaScript हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हमने दोनों के बारे में पढ़ा और देखा कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि JavaScript में वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं, वेरिएबल्स पे इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स के टाइप्स और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशंस और सब देखेंगे कि वेरिएबल्स के साथ कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था क्योंकि हर ट्यूटोरियल से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज़ हो रहा है और इसका कहाँ यूज़ है। तो अगले पार्ट तक देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। इस जावास्क्रिप्ट के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स होते हैं, और ये भी देखेंगे कि जितने भी उसके डेटा टाइप्स हैं उनसे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स सिंपली डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको मेमोरी में कोई आउटपुट स्टोर करना है या कोई वैल्यू स्टोर करनी है उसे बाद में यूज़ करने के लिए, तो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वैल्यू को आप इनमें स्टोर कर लेते हैं। ये वेरिएबल्स क्या करते हैं, मेमोरी में एक छोटी सी जगह को एलोकेट कर लेते हैं एक वैल्यू के लिए। तो जैसे कि ए में मैंने 5 स्टोर किया, तो मेमोरी में मेरे ए लोकेशन पे 5 स्टोर हो जाएगा, ए की एड्रेस पे 5 स्टोर हो जाएगा। या कोई भी वैल्यू, आप स्ट्रिंग ले सकते हैं या नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग और फिर एक बुलियन। बुलियन में आ जाएगा आपका ट्रू या फॉल्स। तो जैसे कि आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि नंबर डेटा टाइप में के अंदर भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, लॉन्ग, डबल, डबल, ये सारे नंबर्स के अंदर आते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट सिंपली एक डबल प्रिसीजन 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड नंबर यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर करते हैं तो वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही जाएगा मेमोरी में। आप कुछ भी वैल्यू स्टोर कीजिए, आप इंटीजर स्टोर कीजिए, आप फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कीजिए, आप डबल स्टोर कीजिए, नंबर्स का कोई भी डेटा टाइप हो वो जावास्क्रिप्ट में एज ए फ्लोटिंग पॉइंट ही जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग पे भी वैसे ही ऑपरेशन है, स्ट्रिंग के कोई अलग से डेटा टाइप्स नहीं होते हैं और इसमें स्ट्रिंग और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। तो अब हम देखते हैं कि आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा ही होगा कि कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, हमें उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई डेटा टाइप पहले से ही डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र पहले ही समझ जाता है। आपने अगर कोई वैल्यू टाइप की है, अगर ए में आपने 5 स्टोर किया है, तो ब्राउज़र अपने आप ही समझ जाएगा कि ए में एक नंबर स्टोर है, आपको अलग से उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में बात करें तो। तो अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को आप कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं।
तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो वेरिएबल है वो अल्फ़ाबेट, चाहे वो लोअर केस हो या अपर केस हो, आप अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं या फिर एक अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। अंडरस्कोर के बाद आप कुछ भी लिखो, 8, 2, 3, उसके बाद अंडरस्कोर के बाद एक डॉलर साइन से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन ही चीज़ें हैं जिससे आप वेरिएबल्स को स्टार्ट कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफायर, उनका नाम। जैसे वेरिएबल्स के नाम को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, तो आइडेंटिफायर का नाम आप सिर्फ इन तीन चीज़ों से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक वेरिएबल, एक अंडरस्कोर या एक डॉलर साइन। उसके बाद आप जो भी लिखो कुछ मैटर नहीं करता, वो सब एक वेरिएबल में ही जाएगा। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और एक और डिक्लेयर किया कैपिटल ए, तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे मेमोरी में, इन दोनों की एड्रेस अलग अलग होगी। तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, ये बात भी याद रखिएगा। वेरिएबल स्मॉल ए और वेरिएबल कैपिटल ए दोनों ही अलग वेरिएबल्स होंगे। तो अब हम डिक्लेयर कैसे करें, हमने इंट नहीं यूज़ कर सकते, हम इंट नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्लोट नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपली यूज़ करेंगे वेरिएबल का वेर और वेरिएबल का नाम ए, और उसमें आपको जो भी वैल्यू स्टोर करनी है इज इक्वल टू, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 स्टोर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ए की जो एड्रेस है उसमें हमने 5 स्टोर कर दिया, 5 की बुलियन वैल्यू स्टोर कर ली। तो अब हमको डिस्प्ले करना है ए, तो हम लिखेंगे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम ए, हमको ए की वैल्यू स्टोर करनी, ए की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो हम ए लिखेंगे। और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था उसको हम कमेंट कर देंगे। तो अब ये भी देखिए कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे किया जाता है। जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस में कमेंट किया होगा, वैसे इसमें भी आप वैसे ही कमेंट करेंगे डबल स्लैश से, अगर आपको सिंगल लाइन का कमेंट चाहिए तो। अगर आपको मल्टीपल लाइंस के कमेंट चाहिए तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और उसके बाद जहां तक आपको कमेंट चाहिए वहां पे आप सिंपली इसका उल्टा कर दीजिए, एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो अनकमेंट हो जाएगा, वो कमेंट के अंदर काउंट नहीं होगा। तो हम अभी कमेंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड को और सिर्फ ए को डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, सेव कर लेते हैं और डिस्प्ले करते हैं ए। तो देखिए यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो रहा है, तो ए की वैल्यू हमने डिस्प्ले कर दी 5, आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वेर बी से। तो बी में हम लोग मान लीजिए 6 को स्टोर कर लेते हैं और हम डिस्प्ले करते हैं ए प्लस बी। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, मेरे हिसाब से तो आउटपुट आना चाहिए 11। तो रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए आउटपुट 11 आ रहा है। तो मतलब हमने इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है ए प्लस बी, ये प्लस एक ऑपरेटर है एडिशन के लिए, तो हमने ए और बी को ऐड कर दिया। ए और बी दो नंबर वैल्यूज थी इसलिए उनका आउटपुट एज एन एडिशन डिस्प्ले हुआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की, नंबर्स तो हो गए, अब स्ट्रिंग को आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज़ कीजिए ऐसे, या फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही स्ट्रिंग काउंट होंगी। तो मान लीजिए हमने ए में स्टोर किया एक स्ट्रिंग जैसे कि अमित और बी में स्टोर किया जैन, अब हमने डिस्प्ले किया है ए प्लस बी को। नंबर के केस में उनके इन दोनों का एडिशन डिस्प्ले हो रहा था, अब यहां देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग के केस में क्या डिस्प्ले हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे अमित जैन डिस्प्ले हुआ है, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग जुड़ गई हैं आपस में। तो ये क्यों हुआ, हमने यहाँ पे ए प्लस बी किया है और ए का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और बी का भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो प्लस यहाँ कर क्या रहा है, प्लस बेसिकली दोनों स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर रहा है, वो दोनों स्ट्रिंग को कनकेटनेट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि कनकेटनेशन क्या होता है, तो ये सिंपली एक तरीका है दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करने का, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का बिना किसी स्पेस के। अगर आपने दो स्ट्रिंग को एक साथ लिखना है तो आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर, अगर आपने उसे नंबर के ऊपर यूज़ किया है तो वो दो नंबर्स का एडिशन डिस्प्ले होगा।
स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग के केस में वो दो स्ट्रिंग्स को कंकेटेनेट कर देगा, दोनों को जोड़ देगा। तो हमने स्ट्रिंग देख लिया, अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को अनकमेंट किया और अब आउटपुट डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो हेलो वर्ल्ड और अमित जैन दोनों ही एक लाइन में डिस्प्ले हो जा रहे हैं, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि पहली लाइन कब ख़त्म हो रही है और दूसरी लाइन कब स्टार्ट हो रही है? तो इस कमी को भी दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर HTML को लिखेंगे। क्या करेंगे हम HTML को लिखेंगे, मतलब इन दो इन्वर्टेड कोट्स के बीच में हम HTML का कोई एक कमांड डालेंगे। जैसे HTML में लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है BR टैग, तो BR टैग हम यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन ब्रेक के लिए इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। अब ये क्या करेगा, ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये जो आउटपुट लिया है BR और उसके साथ हमने कोई ऑपरेशन डिस्प्ले किया है और बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं डाला है, तो ये एक एरर शो करेगा। एरर शो नहीं करेगा बेसिकली, लेकिन ये एक एरर है। तो हमको दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन डालना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट में डिस्टिंक्शन डालने के लिए यूज़ होता है प्लस टैग, प्लस कमांड। जैसे कि जावा में यूज़ होता है प्लस, वैसे यहाँ भी यूज़ होता है प्लस। पाइथन में जैसे कॉमा यूज़ होता है, सी में जैसे कॉमा यूज़ होता है, वहाँ वैसे ही यहाँ प्लस यूज़ होता है। तो हमने बीच में प्लस डाला, तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने क्या लिखा, BR लिख दिया। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, लाइन ब्रेक होती है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ हेलो वर्ल्ड के नीचे आ गया है अमित जैन, जो हमने दूसरा आउटपुट डिस्प्ले किया। तो हमने ये देखा कि आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर कोई HTML कमांड लिख सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा का पूरा HTML कोड ही लिख सकते हैं, जो आप चाहो। तो वो पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा A प्लस बी के साथ। तो पूरा जो ये कमांड है BR, ये उसको एक HTML टैग ले रहा है और उसका आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। अब चाहें तो यहाँ हेलो वर्ल्ड के बाद भी लिख सकते हैं BR, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से BR हटा दीजिए, अब भी वही आउटपुट आएगा। तो देख सकते हैं आउटपुट वही आ रहा है। तो मतलब ये हेलो वर्ल्ड के बाद आपने BR लिखा या फिर A प्लस बी के पहले BR लिखा, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हमने ये देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और आप इससे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या डेटा टाइप्स होते हैं, और जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस डेटा टाइप से स्टोर होते हैं। नंबर्स के डेटा टाइप सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर होते हैं, और स्ट्रिंग्स एज अ स्ट्रिंग्स ही स्टोर होती हैं, और बुलियन वैल्यूज़ भी ट्रू और फॉल्स में स्टोर होती हैं। वेरिएबल्स के नाम आप कैसे लिख सकते हैं, उनके रूल्स, और स्ट्रिंग और नंबर्स के बीच में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे है। जैसे हमने यहाँ a इंटू बी लिखा, तो यहाँ स्ट्रिंग के केस में a इंटू बी का आउटपुट NaN आ रहा है, मतलब कि एरर आ रहा है। तो a इंटू बी हम अप्लाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग के केस में, और अगर हम a इंटू बी अप्लाई करें किसी नंबर के केस में, जैसे b में मैंने 6 स्टोर किया था और a में मैंने 5 स्टोर किया था, तो अब a इंटू बी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा 30। तो मतलब नंबर के केस में ये सही जा रहा है। स्ट्रिंग के केस में आप दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको ऐड कर सकते हैं, आप उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो जैसे हमने ए लिखा यहाँ पे अमित, और यहाँ लिखा जैन, और यहाँ ए माइनस बी लिख दिया, तो आउटपुट फिर से एक एरर आ रहा है। हम माइनस नहीं कर सकते दो स्ट्रिंग को, सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि स्ट्रिंग पे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, नंबर्स पे क्या कर सकते हैं। तो एक बेसिक ट्यूटोरियल था आपको वेरिएबल्स के बारे में बताना था जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ही ज़रूरी हैं आगे का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आगे मेरे जो भी पार्ट होंगे हम सब में हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, और उसके लिए बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी था। तो इस ट्यूटोरियल में आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स के बहुत सारे पार्ट्स जो बच गए हैं और लाने वाला हूँ इसके बाद, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलने में आसानी होगी। तो तब तक, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक,
देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। जावास्क्रिप्ट के इस तीसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इनसे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है या दो नंबर्स को कंपेयर करना है या कोई वैल्यू एक इंटीजर में, एक वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स एक साइन होता है, बेसिकली एक स्पेशल साइन होता है। तो अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऑपरेटर्स के लिए जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ ए की वैल्यू 5 है, तो जो ऑपरेंड होगा अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए के साथ, तो उसका ऑपरेंड होगा ए, और जो ऑपरेटर होगा वो हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स होंगे। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो बिगिनर्स कोर्स में आपको सिर्फ इन्हीं ऑपरेटर्स को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इससे ज़्यादा, तो आप वेबसाइट्स रेफ़र कर सकते हैं और आप थोड़े एडवांस कोर्सेज में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 7। तो हमने अभी तक सी में कुछ स्टोर नहीं किया है, तो सी में हम लोग ए प्लस बी स्टोर कर लेते हैं जो कि सबसे बेसिक ऑपरेटर है ए प्लस बी। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑपरेटर्स के ऊपर कि ए प्लस बी क्या रिटर्न करता है नंबर डेटा टाइप में और स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो हम रन करके देखते हैं हमारी डेमो फाइल, तो उसका आउटपुट आना चाहिए जी 12 आ रहा है इसका आउटपुट, मतलब दोनों नंबर्स को इसने ऐड कर दिया है। 5 और 7 का एडिशन होता है 12, तो इसने 12 प्रिंट कर दिया। तो मुझे सारे ऑपरेटर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होता है। अब देखते हैं कि डिवाइड में क्या आउटपुट आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में कोई नंबर डेटा टाइप अलग से नहीं होता, सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है डिवाइड में। तो देख सकते हैं जैसा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आया है, जबकि हमने एक इंटीजर पास किया था ए और बी में, तब भी आउटपुट फ्लोट में आया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ फ्लोटिंग नंबर्स ही स्टोर होते हैं, उसमें कोई इंटीजर नहीं होता, उसमें कोई लॉन्ग या कोई डबल ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ होता है। तो ये तो हो गया बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं वो भी दो। तो वेरिएबल ए में मैंने क्या स्टोर किया है 5, तो मैंने कैसे स्टोर किया, बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं इक्वल टू साइन, यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। ए में हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि कोई भी टाइप की हो सकती है, नंबर्स, स्ट्रिंग और बुलियन में से। तो मैंने ए में स्टोर किया है नंबर, और वो कैसे स्टोर किया है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर से जो बीच में लगा हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर। अब मैं अगर कुछ एक और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, अब ये क्या करेगा कि ए की वैल्यू में, ए की वैल्यू को 5 ऐड करके ए में ही स्टोर कर देगा। तो जो पहले ए की वैल्यू थी, यहाँ जो ए की वैल्यू है ये जो यहाँ पे आएगी, ए इक्वल टू 5 में पहले मैंने ए इक्वल टू 5 लिखा, उसके नीचे मैंने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 5। तो नीचे वाले ए में वो वैल्यू स्टोर होगी जो ए में पहले थी, और उसके साथ जो वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं वो स्टोर होगी। तो ए में स्टोर होगी ए प्लस 5, जो a प्लस 5 मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो a की वैल्यू को ही अपडेट कर देगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि a की वैल्यू क्या आती है, a को प्रिंट करके देखते हैं कि a में क्या स्टोर हुआ।
तो देखिए ए में 10 स्टोर हो गया है, इसका मतलब ये है कि ए जो पहले 5 था उसमें हमने 5 ऐड करके ए में ही स्टोर कर दिया है, तो मतलब अब वैल्यू हो गई ए की 5 + 5 = 10। अब इसी ऑपरेशन को, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a = a + = 5, ये भी वही काम करेगा, बस जस्ट ये कोड शॉर्ट कर देगा, ये शॉर्टकट मेथड है, काम वही करेगा जो पहले वाले ने किया था। b के साथ भी अगर हम यही करते हैं, b = 7 और b + = 7, अब a और b को डिस्प्ले करते हैं कि दोनों में क्या वैल्यू आती है। तो a में आ रहा है हमारा 10 और b में आ रहा है 14, तो b की वैल्यू में भी इसने 7 को इंक्रीमेंट कर दिया है, इसको आप इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, जैसे प्लस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैसे भी +=−=(((), ((), ((), ((), ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ही आते हैं। अब स्ट्रिंग पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि स्ट्रिंग में कैसे यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग में हमको अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो a + b से दो स्ट्रिंग को कनकेटनेट कर देंगे, तो a + b दो स्ट्रिंग्स को कनकेटनेट कर देगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कनकेटनेशन क्या होता है, a + b दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर देगा, ऐड नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें जोड़ देगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, तो ऐसे ही आउटपुट आएंगे, और सिर्फ a + b ही यूज़ होता है स्ट्रिंग के केस में, और कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप स्ट्रिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ एडिशन, जैसे ये प्लस साइन है, वही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। ए में हमने कोई वैल्यू दे दी, जैसे 5 दे दी, और बी में दे दी 4। अब एक सी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम करेंगे a > b। तो ये जो बीच में मैंने लगाया है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये ए और बी को रिलेट करेगा, या आप कह सकते हैं कि ए और बी को कंपेयर करेगा। अगर ए बड़ा होता है बी से तो सी में क्या स्टोर होगा, तो सी में एक बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। अगर ए बड़ा है बी से तो सी में ट्रू स्टोर होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और अगर ए छोटा है बी से तो ये ऑपरेशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब सी में स्टोर हो जाएगी फॉल्स। तो अब हम देखते हैं कि सी में, सी को प्रिंट करके देखते हैं कि सी क्या प्रिंट कराता है, सी में क्या स्टोर है। तो देख सकते हैं आपको आउटपुट आ रहा है ट्रू, मतलब ए बड़ा है बी से। अगर ये ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ये पूरा ऑपरेशन अगर सही होता है, अगर सच में ए ग्रेटर है बी से, तो सी में स्टोर हो जाएगी ट्रू। अगर हम इसको उल्टा कर दें, लेस देन ऑपरेटर लगा दें, a < b, तो सी में आएगी फॉल्स। तो सी में आ गई फॉल्स, तो मतलब अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे तो उस वेरिएबल में बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि मैं कर देता हूँ a == b। अभी == क्या भला है, तो == भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि a = b से या नहीं। अगर हमने यहाँ === डाला तो a में b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हमको यहाँ === यूज़ करना पड़ेगा अगर हमको चेक करना है कि a = b है या नहीं। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, आउटपुट अभी भी फॉल्स ही आ रहा है, क्योंकि a = b नहीं है, a = 5 है, b = 4 है, तो अब b = 5 कर देते हैं और यहाँ पे एक और =2 लगा देते हैं। यहाँ मैंने 3 = क्यों लगाए, तो जैसे === यूज़ होता है a और b की वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं, === सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि a = b है या नहीं, इन बेसिस ऑफ वैल्यू ओनली। अगर a 5 होगा b 5 होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। === क्या करता है, ये वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। डेटा टाइप मतलब अगर a नंबर है और b स्ट्रिंग है और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ अगर 5 है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, a है 5
और बी है स्ट्रिंग, तो वो अलग ही रिटर्न करेगा। तो ये ए के वैल्यू और डेटा टाइप को बी के वैल्यू और डेटा टाइप से चेक करेगा, दोनों को चेक करेगा। अगर दोनों ही इक्वल है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स यही हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या फिर ए लेस देन इक्वल टू बी, अगर हमने a ग्रेटर देन इक्वल टू b डाला तो इस केस में हमारा ट्रू ही आंसर आएगा, क्योंकि a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू b डाला है। तो अगर a ग्रेटर है या इक्वल है b से तो ये रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स हम अब तब अप्लाई करते हैं जब हमको कोई बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंड एंड और एक नॉट। ये जो एंड एंड मैंने लिखा, एम्परसेंट दो बार मैंने लिखा, ये एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। अगर हमको किसी दो वेरिएबल्स का एंड रिजल्ट डिस्प्ले करना है या चेक करना है तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये जो ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर है। जब हमको चेक करना है कि ए और बी, मतलब कोई भी अगर इक्वल टू वन है तो आउटपुट आएगा ट्रू। एंड के केस में अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आउटपुट ज़ीरो ही आएगा, वो दूसरी वैल्यू तक जाएगा ही नहीं। ये बात भी याद रखें कि वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, दूसरी वैल्यू पे जाएगा ही नहीं, अगर पहली की वैल्यू सिर्फ ज़ीरो मिली तो। कोई भी वैल्यू ज़ीरो हो एंड में आउटपुट ज़ीरो ही आता है। और इसी केस में और ऑपरेटर में अगर पहली वैल्यू वन मिल गई तो भी वो दूसरी वैल्यू तक नहीं जाएगा, वो सीधा सीधा एक वन रिटर्न कर देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो या तो ज़ीरो होता है या तो वन होता है, और कुछ भी नहीं होता। और जो नॉट ऑपरेटर का जो आउटपुट है वो होता है ट्रू या फॉल्स। तो नॉट गेट का आउटपुट होता है ट्रू या फॉल्स, और एंड और गेट के आउटपुट होते हैं ज़ीरो या वन। तो अब हम इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आते हैं। तो ए अगर हम एंड बी करेंगे, ए एंड बी, तो आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब से वन, क्योंकि ए भी फाइव है और बी भी फाइव है। अब आप सोचेंगे कि a वन तो नहीं है, b वन तो नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल में ज़ीरो स्टोर नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू को वो वन ही कंसिडर करता है। जैसे a में मैंने 5 डाला या 5000 डाला या 5 लैक्स डाला, तब भी वो सारे के सारे वन ही होंगे, जब तक a ज़ीरो नहीं होता तब तक। तो हम a एंड b करते हैं, b भी 5 है, तो मेरे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 ही हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आउटपुट आया है वो वन ही आया है, लेकिन ये वन है दोनों की वैल्यूज़। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी आप डालो ज़ीरो के अलावा वो एज अ वन ही कंसिडर होता है। तो यहाँ भी 5 वन ही है, आउटपुट वन ही आया है, लेकिन जो वैल्यू आई है वो ए की आई है या फिर बी की आई है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ कर देते हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग, तब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आया 6। आउटपुट 6 इसलिए आया क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, वो सी में स्टोर हो गई। तो आउटपुट सी में जो आया वो 6 आया। यहाँ पर अगर हम बी को 5 करते हैं और ए को 6 करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आउटपुट आएगा 5, क्योंकि इसने लास्ट वैल्यू को ही असाइन किया है। कोई भी वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लास्ट वैल्यू है, जो ए एंड बी में जो बी की वैल्यू है वही स्टोर हो जाएगी सी में, क्योंकि ए वन निकला तो वो दूसरे वैल्यू तक भी गया, इसीलिए बी की वैल्यू स्टोर हो गई सी में। अब हम इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ए को ज़ीरो ले देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट ज़ीरो आना चाहिए, तो देखिए आउटपुट ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि एंड गेट में कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो हुई तो पूरा ऑपरेशन ही ज़ीरो हो जाता है।
अब मैंने आपसे कहा था कि अगर पहली वैल्यू ज़ीरो हो जाती है एंड गेट में तो दूसरी वैल्यू तक वो जाएगा ही नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम बी में कोई ऑपरेशन लगा देते हैं, बी प्लस इक्वल टू फाइव। अब देखते हैं कि पहली वैल्यू ज़ीरो हुई तो बी की वैल्यू आखिर में क्या आती है, तो बी को भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। अब बी में आना चाहिए फाइव, जबकि मैंने बी में इंक्रीमेंट किया है फाइव, तब भी बी फाइव ही आना चाहिए। तो चलिए इसमें उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं तभी आउटपुट देगा। तो चलो हम इसको सेव कर देते हैं अब और फिर से रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट आ रहा है ज़ीरो और फाइव। इसका मतलब ये कि जो मैंने कहा था ए अगर ज़ीरो हुआ तो इसने बी वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, डायरेक्ट उसने बी को फाइव ही प्रिंट किया है, या वो इस ऑपरेशन तक वो गया ही नहीं। जैसे ही उसने ए ज़ीरो देखा पूरा का पूरा आउटपुट ही उसने ज़ीरो कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा एंड गेट। अब आते हैं और गेट के ऊपर। और भी वैसे ही काम करता है, बस जस्ट उसका उल्टा काम करता है। ज़ीरो ज़ीरो में तो वो ज़ीरो ही देगा, लेकिन अगर कोई इनपुट आता है वन, पहला इनपुट अगर वन आ गया तो वो दूसरे तक जाएगा ही नहीं, सीधा सीधा आउटपुट दे देगा वो वन, या जो वैल्यू उसकी पहले है, जो ए की वैल्यू है वही प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है फाइव और फाइव। तो जो ए की वैल्यू थी वही उसने प्रिंट कर दी और बी तक वो गया ही नहीं, क्योंकि अगर वो इस ऑपरेशन तक गया होता तो बी की वैल्यू हो जाती 10, लेकिन आउटपुट आ रहा है 5। तो इसीलिए जो वैल्यू उसने पहले देखी वही उसने डिस्प्ले कर दी, ए की वैल्यू जो कि 1 थी। ये हो गया हमारा और गेट। अब आते हैं नॉट गेट पे। तो जैसे कि हम यूज़ कर रहे थे एंड गेट और गेट में दो ऑपरेंट्स, दोनों में दो दो ऑपरेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन नॉट गेट में ऐसा नहीं है। नॉट गेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही ऑपरेंड यूज़ होगा और उसका आउटपुट आएगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। और अगर ए वन है तो आउटपुट आएगा नॉट के केस में फॉल्स, क्योंकि अगर हम नॉट करते हैं तो हम वन को ज़ीरो कर देते हैं, तो हम इनपुट को इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर इनपुट है वन तो नॉट अगर हम उसका करेंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो, और उसी केस में अगर इनपुट है ज़ीरो तो उसका नॉट करने पर आउटपुट आएगा वन। तो इस केस में अगर हमारा ए वन है या फाइव है तो हम उसका नॉट करेंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो और डिस्प्ले होगा फॉल्स, क्योंकि नॉट गेट का जो आउटपुट होता है या तो बुलियन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है बुलियन वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ए वन है उसको इन्वर्ट करके हमने ज़ीरो कर दिया, तो इसलिए आउटपुट आता है फॉल्स। यहाँ पर हम ए ज़ीरो कर देते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो अब समझ गए कि ए को हमने इन्वर्ट कर दिया तो आउटपुट आ गया वन। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक स्पेशल टाइप का कंडीशनल ऑपरेटर होता है। जैसे कि मैंने वेयर सी किया, इसमें मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स स्टोर होगा। आप हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि सी में ऐसी वैल्यू स्टोर हो जो इस कंडीशन पर डिपेंड करती हो। मतलब अगर ए ग्रेटर है बी से तो हमको या तो ए स्टोर करना है सी में या तो बी स्टोर करना है। शायद आपने अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो इफ़ एल्स में भी यही काम करते हैं। अगर इफ़ में हम डालेंगे ए ग्रेटर देन बी तो हम कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और एल्स में कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हम तब देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आएंगे, जो कि बात की बात है। अब यहाँ हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेटर पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेटर यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो है टर्नरी ऑपरेटर, जिसका सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। सिर्फ क्वेश्चन मार्क और कॉलन इसका सिंटैक्स है, ये कोई पूरा एक कमांड नहीं है। अभी मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी और आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। तो जो हमको चेक करना है, जो कंडीशन हमको चेक करनी है, वो सबसे पहले हम डालेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो उसको चेक करो कि ए बड़ा है बी से, इस ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमको अगर
कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। और अगर ये कंडीशन जो ए ग्रेटर देन बी है ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो जो वैल्यू स्टोर होगी सी में वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको सिंपल में समझाने के लिए ऐसा समझ लीजिए, इसके अंदर आएगी कंडीशन जो हमको चेक करनी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो कंडीशन के ट्रू होने पे आएगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक कंडीशन चेक की है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी होगी वो स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल में, यानी कि सी में। तो हम अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो इस केस में हमारा ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो जो वैल्यू स्टोर होगी सी में वो होगी बी की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है। कंडीशन के फॉल्स होने पे जो मैंने कंडीशन जो मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है वो स्टोर हो जाएगी सी में। तो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आना चाहिए 5। तो देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है 5। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो वैल्यू मैंने बाद में लिखी है वही स्टोर होगी सी में। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ए लेस देन बी कर देते हैं। अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि बी बड़ा है, 5 बड़ा है 0 से। तो अब कौन सी वैल्यू स्टोर होगी सी में, जो वैल्यू मैंने पहले असाइन की थी कंडीशन के ट्रू होने पे, ए। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट आ रहा है 0, जो कि ए की वैल्यू है। तो हमारा आउटपुट आया सही, और ये ए की वैल्यू स्टोर हो गई सी में क्योंकि कंडीशन थी ट्रू। तो सिमिलरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें टर्नरी ऑपरेटर से, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इससे आप कोई भी दो नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोई भी 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स आपको दिए हों उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं इसी ऑपरेटर की मदद से। एक और स्पेशल ऑपरेटर बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ वेरिएबल नेम। तो टाइप ऑफ करता क्या है, जैसे कि उसका नाम है टाइप ऑफ, तो ये जो वेरिएबल होता है जिसको ये आर्ग्यूमेंट लेता है, जो वेरिएबल इसके आर्ग्यूमेंट में जाएगी उसका टाइप, उसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा ये। तो जैसे कि मैंने टाइप ऑफ लिखा, टाइप ऑफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ सी, तो हमको यहाँ पे मिलेगी सी का डेटा टाइप, तो हमको ये सी का डेटा टाइप रिटर्न करेगा। जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसमें जो सी की डेटा टाइप है, जो आर्ग्यूमेंट, जो वेरिएबल हमने इसमें पास किया हुआ है उसका डेटा टाइप। तो अभी इस केस में हमारा सी का डेटा टाइप जो है वो है नंबर, क्योंकि हमने यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं लिया है, हमने यहाँ कोई बुलियन नहीं लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए नंबर। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है नंबर, क्योंकि जो टाइप है, जो डेटा टाइप है सी का, वो है एक नंबर है। सिंपली मैं यहाँ पे अगर बी लिख देता हूँ, सी इक्वल टू बी, तो भी आउटपुट आएगा नंबर, क्योंकि सी भी एक नंबर ही है, क्योंकि सी में जो वैल्यू है वो बी की है जो खुद एक नंबर है। तो अगर अब आप समझिए कि टाइप ऑफ करता क्या है। एक और हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि बी को एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए को भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ए को छोड़िए बी को ही एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो बी में जो वैल्यू है, जो कि स्ट्रिंग है, वही सी में स्टोर हो रही है। इसलिए जो टाइप ऑफ सी का रिजल्ट होगा वो होगा एक स्ट्रिंग। तो आउटपुट आया हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि सी एक स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉट ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, मतलब जो आउटपुट उसका होता है वो एक बुलियन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम नॉट गेट अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ बुलियन आता है या नहीं, आउटपुट में बुलियन आता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट में बुलियन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो नॉट गेट का आउटपुट होता है वो सिर्फ एक बुलियन वैल्यू होती है जो कि सी में स्टोर हो गई। सी में या तो ट्रू स्टोर हुआ होगा या तो फॉल्स स्टोर हुआ होगा, बट जो डेटा टाइप है सी का वो एक बुलियन है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर ऐसे काम करता है, अगर आप किसी का डेटा टाइप डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी
वेरिएबल का डेटा टाइप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतने बेसिक ऑपरेटर्स काफ़ी हैं बिगिनर्स ट्यूटोरियल में, बिगिनर्स कोर्स में। मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है इन सब ऑपरेटर्स को। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस और कोर्सेज के नेक्स्ट पार्ट्स आपको मिलते रहें और इसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आज के लिए तो इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। और जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से पॉपअप बॉक्सेस होते हैं और हम इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपअप बॉक्सेस के बारे में। तो पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं, एक वेबसाइट में पॉपअप्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने कोई वेबसाइट विजिट की होगी तो कई बार आपने कोई वेबसाइट विजिट की है कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी ब्राउज़र में, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का कोई पॉपअप बॉक्स आता है, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ आता है। अगर आपने कुछ गलत इनपुट किया है या फिर या वेबसाइट पे कुछ इंटरेक्शन किया है तो ये पॉपअप क्रिएट होना एक आम बात है। तो इसी टाइप के बॉक्स को बोलते हैं पॉपअप बॉक्स। एक वेबसाइट पे कुछ क्रिएट होता है एक डायलॉग बॉक्स जैसे, और आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे अगर आप ओके के पे क्लिक करते हैं तो कुछ होगा, और कैंसल पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा, और आप कोई इनपुट डालेंगे तो कुछ होगा। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्सेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है अलर्ट बॉक्स, दूसरा होता है कन्फर्म बॉक्स और तीसरा होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलर्ट बॉक्स क्या होता है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अलर्ट बॉक्स यही होता है जो आपने अभी देखा है यहाँ पे। ये है एक अलर्ट बॉक्स, इसमें कुछ नहीं होता, बस कुछ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि वेबसाइट को कुछ डिस्प्ले करना है आपको, बस एक इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई नोटिस देना है, तो आप तो वो एक अलर्ट बॉक्स यूज़ करेगा। उसमें आप कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप कुछ इनपुट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर सकते। एक अलर्ट बॉक्स बनाते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो चलिए देखते हैं कि एक अलर्ट बॉक्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है var c इक्वल टू, इसी में हम बना देते हैं एक अलर्ट बॉक्स। पॉपअप बॉक्स बनाने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो आप विंडो डॉट अलर्ट लिखिए ऐसे, और अंदर में आपको जो भी लिखना है एक स्ट्रिंग जो कि डिस्प्ले होगी, या तो आप सिर्फ अलर्ट भी लिख सकते हैं, वो भी काम करेगा। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अलर्ट में हम कुछ स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं, तो ये हमने लिख दिया c इक्वल टू अलर्ट, दिस इज अ अलर्ट बॉक्स। तो ये हमने लिख दिया c इक्वल टू अलर्ट, दिस इज ए अलर्ट बॉक्स। अब हमने डिस्प्ले किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट c। अब देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करता है, अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करता है या कुछ और। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अलर्ट बॉक्स बना रहा है, मतलब कि हमने अलर्ट बॉक्स को राइट कर दिया है डॉक्यूमेंट में, तो वो अलर्ट बॉक्स बना देगा। अब उसके बाद हमने ये भी डिस्प्ले किया था कि सी का डेटा टाइप क्या है, तो सी का डेटा टाइप दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब कि अलर्ट टाइप अलर्ट बॉक्स का डेटा टाइप अनडिफाइंड होता है। ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, और ये कोई बुलियन भी नहीं है, तो ये अनडिफाइंड है। तो अलर्ट बॉक्स ऐसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करनी है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और कुछ भी इनपुट नहीं कराना है, तो आप अलर्ट बॉक्स बना सकते हैं, और ओके पे क्लिक करने के बाद भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता अलर्ट बॉक्स में, तो सिंपली ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा अलर्ट बॉक्स। अब दूसरा है कन्फर्म बॉक्स। तो कन्फर्म बॉक्स में दो बटन्स होते हैं, एक ओके बटन और एक कैंसिल बटन। कन्फर्म नाम से पता चलता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए यूज़ हो। ओके पे क्लिक करने पे कन्फर्म बॉक्स ट्रू रिटर्न करता है। आप एक कंडीशन दे सकते हैं, कन्फर्म बॉक्स ने ट्रू रिटर्न किया तो हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और अगर कन्फर्म बॉक्स ने फॉल्स रिटर्न किया तो हमको कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कैंसिल पे क्लिक करने पे कन्फर्म बॉक्स फॉल्स रिटर्न करता है, और ओके पे क्लिक करने पे ट्रू रिटर्न करता है।
तो हम लोग देखते हैं कि कन्फर्म बॉक्स कैसे बनाया जाता है। इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, विंडो डॉट कन्फर्म या फिर सिर्फ कन्फर्म। यहाँ हम अंदर लिख देते हैं दिस इज ए कन्फर्म बॉक्स। तो ये क्या करेगा, ये भी एक अलर्ट बॉक्स टाइप का ही बनाएगा, एक पॉपअप बनाएगा, लेकिन ये यूज़र से ट्रू और फॉल्स एक्सेप्ट करेगा। मतलब अगर हमने ओके पे क्लिक किया तो ट्रू आएगा और कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स आएगा। अब देखते हैं कि ये करता क्या है। हमने सी को राइट किया है तो वैल्यू देखते हैं कि सी की आती क्या है। तो ये आ गया हमारा कन्फर्म बॉक्स। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे या कैंसिल पे क्लिक करेंगे, तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं कि ओके पे क्लिक करने पे क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ओके पे क्लिक करने पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब सी की वैल्यू ट्रू है। अब कैंसिल पे क्लिक करके देखते हैं, तो देख सकते हैं कैंसिल पे क्लिक करने पे फॉल्स आ रहा है, मतलब कन्फर्म बॉक्स या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस हिसाब से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूज़र के ओके पे क्लिक करने पे या कैंसिल पे क्लिक करने पे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप यूज़र से यस और नो इनपुट करा सकते हैं। यूज़र ने अगर हाँ बोला तो आप कुछ कीजिए और ना बोला तो आप कुछ कीजिए। तो ये इनपुट के लिए ही यूज़ होता है, बेसिकली यस और नो इनपुट के लिए। तो ये हो गया हमारा कन्फर्म बॉक्स। अब आते हैं तीसरे बॉक्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसको हम विंडो डॉट प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स करता क्या है, प्रॉम्प्ट बॉक्स एक इनपुट लेता है यूज़र से। वो कोई भी इनपुट हो सकता है, जो भी यूज़र चाहे। ये यस और नो नहीं लेता, जो भी यूज़र इनपुट करता है वो लेता है। ये दिस इज ए प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स एक इनपुट क्रिएट करता है, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें यूज़र कुछ भी डालेगा वो एज अ इनपुट ही रिटर्न करेगा। वो इनपुट को सी में रिटर्न करेगा। मतलब मैंने कुछ भी इनपुट किया, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके, तो ये एक प्रॉम्प्ट बॉक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब कि मैं जो भी यहाँ एंटर करूँगा वो एज अ इनपुट ले लेगा। तो मैं यहाँ कुछ भी एंटर कर देता हूँ, मैं अमित एंटर कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो गई अमित। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी टाइप करूँगा प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो उस वेरिएबल में एज अ इनपुट जाएगा, जो भी मैंने टाइप किया। तो यहाँ हमको वेबसाइट पे कोई इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब एक बात और ध्यान में रखने की यह है कि प्रॉम्प्ट बॉक्स हमेशा टेक्स्ट इनपुट लेता है। मतलब अब जो भी टाइप करेंगे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में वो एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। मतलब अगर आपने 1, 2, 3, 4 भी डाला हुआ है तो वो एक स्ट्रिंग की तरह ही जाएगा सी में। मतलब अगर हम C++ करते हैं यहाँ पे, और अगर हम C में डालते हैं 10, तो हमारे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 12, लेकिन आउटपुट 12 नहीं आएगा। देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है C++ के केस में। तो देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है 102, और ये किस केस में होता है, इसने 10 और 2 को कनकेटनेट किया है। तो कनकेटनेशन किस केस में होता है, जब दोनों एस ए स्ट्रिंग हो या कोई एक ही स्ट्रिंग हो। यहाँ पे हमारा जो 10 है वो एज अ नंबर नहीं गया हुआ है, वो एज अ स्ट्रिंग गया हुआ है। तो स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट आता है कंकेटनेशन, ना कि एडिशन। तो आप समझ गए कि प्रॉम्प्ट बॉक्स एक स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। अगर आपको एक इंटीजर इनपुट कराना है या एक नंबर इनपुट कराना है, तो आपको उसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि हमने नंबर लिया हुआ है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं पार्स इंट। पार्स इंट का सिंटैक्स ये होता है, पूरे को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो पार्स इंट क्या करेगा, जो भी हमने इनपुट डाला उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, उसको एक इंटीजर में पार्स कर देगा। तो मतलब मैंने यहाँ पर अगर 10 डाला या 10 डाला तो वो एक इंटीजर हो जाएगा और C++ की वैल्यू आएगी 12। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है 12, मतलब जो मैंने इनपुट लिया वो एक स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, और उसमें 2 हमने ऐड किया तो आंसर आया 12।
तो इस parseInt की मदद से आप इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर आपको कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये फ़ायदा है parseInt का और प्रॉम्प्ट बॉक्स का। प्रॉम्प्ट बॉक्स सिर्फ एक इनपुट लेने के लिए क्रिएट किया गया है। कोई भी इनपुट लीजिए यूज़र से और उसको प्रोसेस कीजिए, जो भी प्रोसेस आप चाहें। अगर आपको कोई सीरीज़ बनानी है, या आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके डिस्प्ले कराना है, या आपको कोई पेज पे रीडायरेक्ट करना है, या कुछ भी करना है, कोई भी टाइप का प्रोसेस हो, आप उसे प्रॉम्प्ट बॉक्स से इनपुट ले सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट के लिए हम इन्हीं तीन बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं। बेसिकली अलर्ट बॉक्स इनपुट के लिए नहीं होता है, तो कन्फर्म और प्रॉम्प्ट बॉक्स ही यूज़ होते हैं एज एन इनपुट। और सिर्फ यही तीन बॉक्स नहीं है इनपुट के लिए। HTML में फॉर्म के लिए हमने बहुत तरीके के इनपुट यूज़ किए हैं, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट, इनपुट पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, इन जैसों के लिए HTML में इनपुट यूज़ होते हैं। लेकिन हम यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम HTML के इनपुट्स में नहीं जाते हैं, और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ यही तीन पॉपअप बॉक्सेस यूज़ होते हैं इनपुट के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे किया जाता है। एक फंक्शन जो मेन है आउटपुट के लिए, वो तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ अपनी HTML फाइल में ही एक टैग क्रिएट करता हूँ, पैराग्राफ टैग, जो कि P से बनता है, और इसकी आईडी दे देते हैं कुछ P1, और P को क्लोज कर देते हैं। तो मैंने ये क्यों बनाया? मैंने इसको इसीलिए बनाया क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर देंगे। हम पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे डायनामिकली। तो देखते हैं कि वो कैसे ऐड होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम एक और फंक्शन डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो हमने पी टैग की डाली हुई है, जो कि है P1, उसी को हम यहाँ डाल देते हैं P1 डॉट। अब हम यहाँ लिखेंगे इनर HTML इज इक्वल टू C। अब ये करेगा क्या? ये सिंपली इस P टैग के अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर देगा, जो भी एक वैल्यू ऐड कर देगा, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, तो ये पी टैग जो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले, जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये क्या करेगा? ये P1 आईडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में ये हेलो को राइट कर देगा। मतलब एक HTML पेज में हमको यूनिक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो जिस भी एलिमेंट की आईडी P1 होगी उसके अंदर ये HTML का टेक्स्ट है वो राइट कर देगा, या हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो उस एलिमेंट के अंदर या टैग के अंदर राइट कर देगा। तो इस केस में मैंने पी टैग की आईडी डाली हुई है P1, तो इसी P1 की आईडी में मैं इनर HTML, मतलब इसके अंदर एक HTML का टेक्स्ट ऐड कर दूंगा हेलो। तो ये फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी इसीलिए यूज होता है ताकि हम किसी एलिमेंट के अंदर ही कुछ अपेंड कर सकें या डाल सकें, ताकि हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ना करना पड़े। तो माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने जो यहाँ पे पी डिक्लेयर किया था वो स्क्रिप्ट के ऊपर होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाई है hello.js, उसके ऊपर होना चाहिए पी टैग, क्योंकि स्क्रिप्ट के नीचे जाने से पहले वो चेक करेगा कि ऊपर इस आईडी का कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर उसे नहीं मिला तो वो एक एरर ही रिटर्न करेगा। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप स्क्रिप्ट डिक्लेयर करने के ऊपर ही सारा HTML लिख दें और स्क्रिप्ट सबसे लास्ट में डिक्लेयर करें। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो उसके लिए थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा, और इस बिगनर्स के लिए वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए तब तक आप यही कीजिए, आप सारे टैग्स स्क्रिप्ट के ऊपर ही लगाइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे हेलो डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखते हैं कि हेलो डिस्प्ले होता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेलो डिस्प्ले हो गया है। अब हेलो कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है? वहीं पे जहाँ हमने पी डिक्लेयर किया था।
तो ये p1 id का जो एलिमेंट है उसी में उसने हेलो को राइट कर दिया है इस p टैग में। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इसका पेज सोर्स व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p में हेलो लिखा हुआ है, जबकि हमने हेलो डाला नहीं था, हमने p में कुछ नहीं डाला था, तब भी इसने p में हेलो को लिख दिया है। मतलब कि ये काम जावास्क्रिप्ट ने ही किया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी एक एलिमेंट के अंदर अपेंड कराने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आई डी। अब ऐसे ही हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ऐसे ही आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। जो भी हमने पी की क्लास यहाँ पे डिक्लेयर की होगी वही आप यहाँ पे डालेंगे और वही फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। और उसके बाद एक और आता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और भी बहुत कुछ हैं उस, ये भी सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लेकिन अलग अलग टाइप्स पे। तो ये हो गए हमारे आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट में हम इनपुट के लिए 3 पॉपअप बॉक्सेस यूज़ करते हैं, और आउटपुट के लिए आप अलर्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अलर्ट में आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह का आउटपुट ही है, तो उसको भी आप आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए। और तीसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, ये उस आई डी में ही हमने जो भी लिखा है वो राइट कर देगा, कोई भी वेरिएबल राइट कर देगा, कोई ऑपरेशन राइट कर देगा, या कोई स्ट्रिंग राइट कर देगा, कुछ भी राइट कर देगा। और अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी में डिफरेंस क्या है। दोनों तो एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अभी तक मैंने डिफरेंस नहीं बताया है। तो अब डिफरेंस जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक बार अगर कोई HTML पेज पूरी तरीके से डिस्प्ले हो जाता है उसके बाद ये उस HTML के सारे कंटेंट को क्लियर करके उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डिस्प्ले कर देता है। अब तक हम देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वही डिस्प्ले हुआ पूरे पेज में जो भी हमने कराना चाहा। तो इस यहाँ हमने डिस्प्ले किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड br। अगर ये HTML पेज पूरा डिस्प्ले हो जाता है तो ये पूरे पेज में ही हेलो वर्ल्ड को लिख देगा। मतलब अगर हमको HTML पेज में कुछ राइट करना है उस एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ जो हमने HTML में लिखा हुआ है, उस केस में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने ये किया तो पूरा का पूरा HTML पेज क्लियर हो जाएगा, पूरा उसका कंटेंट गायब हो जाएगा, और ये जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यही सिर्फ डिस्प्ले होगा। या फिर जो भी हमने एक JS फाइल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट जितनी बार भी आया है उतने बार का कंटेंट ही डिस्प्ले होगा, और बाकी पूरा HTML का कंटेंट क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा, वो एक एलिमेंट में ही राइट कर देगा, इस केस में हमने पी में ही राइट कर दिया था हेलो, और ये कोई भी कंटेंट, कोई भी एग्जिस्टिंग कंटेंट को क्लियर नहीं करेगा। जो भी हमने यहाँ लिखा हुआ होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेलो लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम हेलो लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के केस में क्या होता है, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया है इसने, बाकी जो HTML का कंटेंट था कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी पी वन, तो अब देखते हैं कि यहाँ आउटपुट क्या आता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। जो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो HTML में मैंने लिखा हुआ था हेलो वो भी प्रिंट हुआ है, वो डिलीट नहीं हुआ है गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को पी एलिमेंट में राइट कर दिया है, ना कि उस डॉक्यूमेंट में राइट किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में ही उस चीज़ को राइट कर देता है जो हमने उसमें डाली हुई है, लेकिन गेट एलिमेंट बाय आईडी उस चीज़ को राइट करता है सिर्फ उसी एलिमेंट में जिस एलिमेंट में हमने उसे राइट करने को कहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में राइट नहीं करता। तो हमको अगर पूरा HTML पेज वैसा ही रखना है और सिर्फ हमको डेटा उसमें अपेंड करनी है तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करेंगे, वरना अगर हमको पूरे पेज को क्लियर करके एक आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम
document.write यूज करेंगे। तो समझ गए आप डिफरेंस इन दोनों के बीच में। एक और फंक्शन होता है आउटपुट के लिए जिसे console.log से लिखते हैं। तो console.log क्या करता है, ये बेसिकली डीबगिंग के लिए यूज होता है। ये आपको डायरेक्टली एक विंडो में कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना पड़ेगा, उसके बाद कंसोल में जाके इसे रन करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो बिगिनर्स के लिए इतना आसान नहीं है। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा। आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ये क्यों यूज़ होता है और देख लीजिए कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी आउटपुट फंक्शंस से। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा, हमने देखा कि बेसिकली जावा में कितने सारे पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, कितने टाइप के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं और वो कैसे अलग अलग हैं और उनसे आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और इंडिविजुअल पॉपअप बॉक्सेस कैसे इनपुट के लिए या कैसे आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, document.write और document.get एलिमेंट बाय आईडी में क्या डिफरेंस है और दोनों अपनी जगह कैसे यूज़ होते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। हम देखेंगे कि इफ एल्स या स्विच केस कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे यूज़ करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस और इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अगले पार्ट्स आपको मिलते रहें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। और जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उन्हें कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो कंडीशन मीन्स अगर एक ऑपरेशन ट्रू होता है, या दूसरे वर्ड्स में अगर एक ऑपरेशन वन रिटर्न करता है तो हमको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, और अगर वो ऑपरेशन जीरो रिटर्न करे तो हमको कोई और कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो वो ऑपरेटर्स थे, उसमें भी यही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था कि अगर जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू होती है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर वो फॉल्स होती है तो कोई ऑपरेशन अलग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उस ऑपरेटर्स वाले केस को हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑपरेटर्स और स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं, स्टेटमेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑपरेटर्स से। तो अभी हम शुरू करते हैं, आप जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली दो टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो लगभग हर लैंग्वेज में यूज़ होता है, और दूसरा है स्विच केस स्टेटमेंट्स, जो कुछ कुछ लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। तो इफ एल्स से आप में से कई लोग फेमिलियर होंगे कि इफ एल्स करता क्या है। तो इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो ये है, हमने क्या किया, हमने इफ में एक कंडीशन दे दी, कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। तो अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है उसकी वैल्यू 1 आती है तो जो इफ के अंदर स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमने यहां पे कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी, तो इफ के अंदर अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, मतलब इफ का जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो इफ के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। वही दूसरे केस में अगर a ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब ये जो ऑपरेशन है a ग्रेटर देन बी वो जीरो रिटर्न करेगा, तो इफ के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और होंगे एल्स के अंदर के एग्जीक्यूट। तो इफ में अगर कुछ कंडीशनल फॉल्स आती है, मतलब a ग्रेटर देन बी नहीं है, तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे एल्स स्टेटमेंट के, ना कि इफ स्टेटमेंट के। तो इफ एल्स, तो बेसिक इफ एल्स ऐसे यूज होता है, और इफ एल्स के भी बहुत पार्ट हैं। इफ के बाद हम और डाल सकते हैं एल्स इफ। तो एल्स इफ में अगर ये देख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है या नहीं, मतलब इफ अगर फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है,
तो हम एक और बार चेक करेंगे else if, मतलब अगर a इक्वल है b से तो else if 1 रिटर्न करेगा और उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद हम ऐसा ही else if लगा के सारे कंडीशंस को टेस्ट करेंगे, अगर सारे गलत आते हैं तो आखिरी में हम एक else देंगे, मतलब बाकी के सारे कंडीशंस पे हम वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसा भी यूज़ होता है और नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है यहाँ पे, मतलब अगर a ग्रेटर देन b है तो उसके अंदर एक और कंडीशन हम दे देंगे, इफ के अंदर ही अगर इफ 1 रिटर्न करेगा तो उसके अंदर ही हम चेक करेंगे एक और बार बाहर वाले इफ के 1 होने पे कि अंदर वाला इफ भी ट्रू है या नहीं। इफ के अंदर फिर से हम चेक कर सकते हैं कि उस इफ के ट्रू होने पे उसके अंदर वाला इफ ट्रू हो रहा है या नहीं। तो ये सब नेस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब नेस्टेड स्टेटमेंट्स हैं। तो एक के अंदर एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बेसिक एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू दी हुई है 0, तो अब चेक करते हैं कि ए इक्वल टू 0 है या नहीं इफ के अंदर। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप इफ के अंदर या इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट, तो आपको करली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम कोई भी ब्लॉक अगर लिखते हैं, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक स्टेटमेंट्स, इससे पहले हमने कोई भी कोर्स के पार्ट में ब्लॉक स्टेटमेंट्स नहीं लिखे थे, आज से हम लोग ब्लॉक स्टेटमेंट्स लिखना चालू करेंगे। ब्लॉक मतलब इफ के अंदर आप इफ की वैल्यू अगर ट्रू होती है, मतलब इफ के अंदर की कंडीशन अगर 1 रिटर्न करेगी तो वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर हमने जो भी ऑपरेशंस, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, तो वो एक ब्लॉक हो जाएगा इफ का, जो कि ये पूरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इफ के अंदर, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, अगर इफ में आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है इफ के ट्रू होने पे, तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एज इट इज। तो अभी यहां पर हमको कुछ टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं ट्रू। तो अगर ए 0 है, इफ ए इज इक्वल टू 0, यहां मैंने कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं दिया हुआ है, यहां मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने ऑपरेटर्स में बताया था, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा, ना कि ए को असाइन करेगा, समझ गए आप। तो ए इक्वल टू 0 होगा तो ये डॉक्यूमेंट में ट्रू लिख देगा, मतलब हेलो वर्ल्ड के बाद लिखा जाएगा ट्रू। अब एल्स देखते हैं कि एल्स अगर ए 0 नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ जाएगा फॉल्स। तो ये सिंपल सा इफ एल्स है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट आ रहा है ट्रू, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 0 ही है, जैसे कि हमने यहां लिखा हुआ है। तो इफ ए इक्वल टू 0, मतलब इफ ए इक्वल टू 0 ने 1 रिटर्न किया तभी इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अगर a इक्वल टू मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, मतलब a की वैल्यू अगर 1 से चेक हो रही है, अगर वो 1 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर 1 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फॉल्स, मतलब a की वैल्यू 1 नहीं है। तो मैंने कहा था एक ही स्टेटमेंट है तो हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कि आउटपुट अभी भी आ रहा है या नहीं। तो आउटपुट अभी भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो आपको एक ही स्टेटमेंट के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ एल्स बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, अगर आपको बहुत से एडवांस ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं तो आप इफ एल्स से आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो यहाँ एल्स की जगह हम एल्स इफ लगा देते हैं, अगर a इक्वल टू 0 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो else if में भी एक और कंडीशन चेक होगी कि a इक्वल टू 1 है या नहीं, और उसके बाद else डाल देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं,
या फॉल्स वन कर देते हैं, तो इफ में हम डाल देते हैं फॉल्स वैल्यू और एल्स इसमें डाल देते हैं ट्रू वैल्यू। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, तो आउटपुट अभी भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि इफ जो है वो जीरो रिटर्न किया, मतलब ए की वैल्यू वन नहीं है तो उसके नीचे गया कंट्रोल। अब एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ए इक्वल टू जीरो हमने दिया तो ए डबल इक्वल टू जीरो ट्रू रिटर्न किया, तो एल्स इफ का ब्लॉक एल्स इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, बाकी इफ और एल्स कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुए, सिर्फ एल्स इफ हुआ जिसकी कंडीशन ट्रू थी। तो ऐसे ही आप इफ एल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। नेस्टेड लूप्स के अंदर हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत है। तो इफ ए इक्वल टू वन उसके अंदर जाएंगे, इफ बी इक्वल टू फाइव, मतलब अगर a इक्वल टू जीरो है तो ठीक है, उसके बाद हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि b इक्वल टू फाइव है या नहीं। a इक्वल टू जीरो ने वन रिटर्न किया, उसके अंदर आए, उसके अंदर उसे फिर से एक इफ मिला, और इफ में है अगर b इक्वल टू फाइव है या नहीं तो उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रू, मतलब एक एल्स ब्लॉक भी डाल देते हैं यहां पे। मतलब यहां पे पहले चलिए आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब हमने एक इफ के अंदर एक और इफ डाला और दोनों इफ की वैल्यू वन आई, तो इसीलिए आउटपुट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट। इफ के अंदर हमने एक और इफ डाला, मतलब वो इफ के अंदर हमने एक इफ को नेस्ट कर दिया, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अगर हम यहां पर देते हैं बी इक्वल टू फोर तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने ये इफ तो चेक कर लिया इसके अंदर, लेकिन इसका एल्स हमने दिया नहीं है, और इसका एल्स देने के बाद ही आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये नेस्टेड इफ है। इसके बाहर वाला एल्स इसके बाहर वाले इफ के साथ चल रहा है, तो इसके अंदर वाला इफ इसके अंदर वाले एल्स से चलेगा, तो हमको इसके अंदर भी एक एल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एल्स प्रोवाइड कर दिया तो आउटपुट अब आना चाहिए फॉल्स, तो आउटपुट अब भी फॉल्स आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पे इफ चेक किया, अगर ये गलत हुआ तो इसके अंदर वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसी लाइन के इफ एल्स स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। इफ एल्स में दो वेरिएबल्स हम इनपुट लेंगे ए और बी, इंटीजर्स लेंगे और उनको चेक करेंगे कि ए बड़ा है बी से या नहीं। अगर ए बड़ा है बी से तो आउटपुट आएगा ए ग्रेटर देन बी, अगर नहीं है तो आउटपुट आएगा बी ग्रेटर देन ए। तो हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट, जो कि मैंने पहले बता चुका है, और आपको ये भी याद होगा कि प्रॉम्प्ट जो है वो इनपुट सिर्फ टेक्स्ट में लेता है और स्ट्रिंग में लेता है, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एक पार्सेंट फंक्शन से। इसकी भी बात मैंने पहले कर चुकी है। तो पार्सेंट के अंदर हम लगाएंगे प्रॉम्प्ट एंड एंटर ए, तो सिंपली यही कॉपी कर देंगे हम बी में भी, एंटर बी। अब इफ लगाएंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये इसके अंदर जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेटर देन बी। सिमिलरली एल्स में हम डाल देंगे उसका उल्टा, मतलब अगर इफ गलत हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ए हमने लिया है 10 और बी हमने लिया है 20, तो आउटपुट आ रहा है बी ग्रेटर, मतलब इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब हमने क्या डाला था, ए को 10 डाला था और बी को 20 डाला था,
तो ऑब्वियसली 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो इफ ने 0 रिटर्न किया और उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए तो एल्स के हुए, मतलब इफ अगर नहीं होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ये है रूल इफ एल्स का। तो इफ एल्स का एक सिंपल रूल है, अगर इफ 0 रिटर्न करता है मतलब इफ फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे बी ग्रेटर देन ए आया, हम एक और केस ले लेते हैं, यहां पे ए को बड़ा कर देते हैं बी से, ए को 20 ले लेते हैं और बी को 10 ले लेते हैं, तो अब आउटपुट आ रहा है ए ग्रेटर देन बी, तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है। तो समझ गए आप इफ एल्स का ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जितने भी टाइप्स थे इफ एल्स के वो मैंने बता दिए। अब आप चाहें तो इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही आप 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं इफ एल्स नेस्टेड कर नेस्ट करके, इफ एल्स को नेस्ट करके, मतलब अगर 2 नंबर बड़े हैं एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो चेक कीजिए कि वही नंबर तीसरे से भी बड़ा है या नहीं, अगर हुआ तो वो सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही 4 नंबर्स 5 नंबर्स कितने भी नंबर्स आप चाहें सब में से बड़ा फाइंड कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो इफ एल्स आप समझ गए। अब एक और कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसको कहते हैं स्विच केस। स्विच केस का सिंटेक्स ये होता है, स्विच वैल्यू उसके अंदर आएंगे सारे केसेस, केस 1 उसके अंदर के स्टेटमेंट्स, फिर केस 2 उसके अंदर के स्टेटमेंट्स, ऐसे ऐसे आप जितने केस चाहें उतने केस लगा सकते हैं, ऐसे करके एक लास्ट में होता है डिफॉल्ट केस। तो ये करता क्या है, स्विच बेसिकली एक वैल्यू को आर्ग्यूमेंट लेता है, वो वैल्यू सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप होनी चाहिए, मतलब अगर वैल्यू में हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया तो स्विच एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि स्विच सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करता है, कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता, बुलियन भी कर लेगा क्योंकि बुलियन भी एक इंटीजर ही है या एक नंबर ही है, तो वो बुलियन एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां हमने किया स्विच वैल्यू, तो स्विच वैल्यू क्या करेगा, अगर ए की वैल्यू, यहां पर मैंने ए की जो इनपुट ली है अगर इसकी वैल्यू मैंने दे दी 5 तो स्विच में जाएगा ए एज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ए एक वैल्यू है मतलब वेरिएबल है तो उसकी भी कोई वैल्यू होगी, तो स्विच में या तो ए जाएगा या तो बी जाएगा या जो भी आप वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे वो जाएगा, ध्यान रखिए वो एक नंबर होना चाहिए। तो ए में मैंने 5 वैल्यू दी तो उसके अंदर केस, ये केसेस क्या करते हैं, केस चेक करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, मतलब केस 5 का स्टेटमेंट मैंने डाला यहाँ पे, कोई भी स्टेटमेंट डाल दिया तो वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्विच ए, स्विच मतलब क्या, स्विच कंट्रोल को स्विच कर देता है उस केस में जो केस ए की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, मतलब ए की वैल्यू मैंने 5 डाली तो स्विच केस 5 में चला जाएगा, मतलब डायरेक्टली केस 5 में चला जाएगा, वो केस 1 केस 2 को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि ए की वैल्यू 5 दी है मैंने, और अगर मैंने ए की वैल्यू 1 दी तो ये केस 1 में चला जाएगा, मतलब स्विच हो जाएगा 1 पे जो ए की वैल्यू हमने दी है। तो स्विच केस में आपको बता दूं, स्विच केस मेनली मेन्यू ड्रिवन इनपुट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मतलब अगर आपको कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने जैसे एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आप स्विच कर सकते हैं इनपुट ए को कि अगर ए का केस 1 है तो आप एडिशन परफॉर्म कीजिए, ए का केस 2 है तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लीजिए यहाँ पे। तो ऐसे ही ये स्विच केस काम करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेंगे यहां पे भी, यहां पे ए माइनस बी कर देते हैं और a प्लस बी, यहाँ तो a इंटू बी कर देते हैं। तो हम अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 लेंगे तो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे,
तो अब देखते हैं, सिंपल सा आउटपुट देखते हैं इसका, रिफ्रेश करेंगे और ए की वैल्यू डालेंगे हम 1 और बी की वैल्यू डालेंगे चलिए 5 डाल देते हैं। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट में मैं यहाँ पे एक नंबर नहीं, तीन तीन नंबर देख रहा हूँ, मतलब तीन नंबर्स हैं 6, -4 और 5। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी है ए की, तो तीनों क्यों एग्जीक्यूट हुए? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने केस किसी केस में आपने स्विच किया है तो उस केस के नीचे जितने भी केसेस हैं, मतलब अगर ए की वैल्यू 1 दी, ए की वैल्यू 2 दी, चलिए ए की वैल्यू मैंने 2 दी, तो जो कंट्रोल है वो केस 2 पे जाएगा सबसे पहले, राइट? तो अगर केस 2 पे गया, केस 2 के बाद जितने भी केसेस आपने और प्रोवाइड किए, मतलब केस 2 के बाद मैंने यहाँ पे केस 5 भी लिखा हुआ है, तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। मतलब एक केस के बाद जैसे ही वो एक केस में स्विच करता है, उस केसेस के नीचे सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे। मतलब यहां मैंने ए की वैल्यू 1 दी थी, तो ये डॉक्यूमेंट नॉट राइट, केस 1 का भी एग्जीक्यूट हुआ, केस 2 का भी हुआ, केस 5 का भी हुआ, सारे केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं यहां पे, क्योंकि सबसे पहले मैंने केस 1 डाला था, तो केस 1 के नीचे जितने भी केसेस हैं वो सारे एग्जीक्यूट हुए। यहां पे डिफॉल्ट में मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो इसको अभी हटा देते हैं। तो ए पहला आउटपुट आया 6, मतलब मैंने ए को 1 लिया था, बी को 5 लिया था, तो आउटपुट आया 6 एडिशन का, ये सही है। और केस 2 में आया 1-5, मतलब -4, वो भी सही था। और केस 3 में आया ए इंटू बी, मतलब 1 × 5, तो 5 आउटपुट आया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों आउटपुट आ रहे हैं, मतलब तीनों केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं, केस में एक केस में हम ब्रेक डाल देते हैं। ब्रेक क्या करेगा, ये केस 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्ट स्विच के बाहर आ जाएगा, मतलब कंट्रोल को वही ब्रेक कर देगा स्विच के अंदर, और डायरेक्टली कंट्रोल क्या आ जाएगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक का काम होता है कि उसके नीचे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के पहले वो बाहर आ जाए, मतलब जो कंट्रोल मैंने स्विच के अंदर डाला था तो केस 1 में गया, तो केस 1 के बाहर आ जाएगा अगर मैंने ब्रेक डाला, तो स्विच के बाहर आ गया। तो हम ऐसे ही सारे केसेस में हम ब्रेक डाल देते हैं ताकि दूसरे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना हो, दूसरे केसेस एग्जीक्यूट ना हो। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ए को फिर 1 ले लेते हैं, बी को फिर 5 ले लेते हैं, तो अब आउटपुट सिर्फ 6 आ रहा है। तो इसने केस 1, मतलब ए की वैल्यू 1, केस 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद स्विच को ब्रेक कर दिया, मतलब कंट्रोल जब स्विच के केस के अंदर गया, केस 1 के अंदर गया, तो उसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद जो ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ वो उसने स्विच को वापस बाहर ला दिया, मतलब केस 2 और केस 5 एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, उसके पहले ही उसने कंट्रोल को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही हम यूज़ कर सकते हैं स्विच केस को। तो यहाँ मैंने एक डिफ़ॉल्ट भी डाला था। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जैसे इफ में एल्स यूज होता है, वैसे ही स्विच में डिफॉल्ट यूज होता है। डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर कोई भी केस मैच नहीं होते हैं, मतलब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 10 दे दी, तो मैंने 10 के लिए कोई केस डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो उस केस में जो एल्स है उसकी तरह काम करेगा डिफॉल्ट, मतलब अगर ए की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। तो यहाँ पे मैं ए को 10 लेके देखूंगा और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो माफ कीजिए, यहाँ मैंने एक थोड़ी गलती कर दी थी डॉक्यूमेंट की, जो स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी। तो अब देखते हैं फिर से रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 0.5, मतलब ए को मैंने 10 लिया है और बी को 20 लिया है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, a/a/b, तो आंसर आया 0.5। तो आप समझ गए कि अगर मैंने ए की वैल्यू कोई ऐसी प्रोवाइड कर दी जिसका केस मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो उस केस में स्विच के अंदर सिर्फ डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब इफ के लिए जैसा एल्स है वैसे स्विच के लिए डिफॉल्ट है।
और डिफॉल्ट में हमें कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में आता है, तो लास्ट के बाद जो कंट्रोल जाएगा वो ऑब्वियसली स्विच के बाहर ही जाएगा। तो जो पहले से ही बाहर जा रहा है हमको उसे एक्सप्लिसिटली बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो स्विच केस भी ऐसे ही यूज़ होता है। तो आप समझ गए स्विच केस का कॉन्सेप्ट और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन स्विच में थोड़ा सा अलग है। स्विच में हमने केस पर अगर ब्रेक प्रोवाइड नहीं किया है तो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और स्विच सिर्फ इंटीजर को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। मतलब सिर्फ हम अगर हम बुलियन की भाषा में कहें तो सिर्फ जीरो या वन को एज एन इनपुट लेता है। यही सिमिलैरिटी है सिर्फ इफ एल्स और स्विच में, या तो जीरो इनपुट लेंगे या वन इनपुट लेंगे। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है स्विच और इफ एल्स में। जैसे इफ एल्स में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं कि इफ अगर एक कंडीशन हुई तो उसके अंदर भी एक कंडीशन चेक कीजिए, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। स्विच के अंदर एक और स्विच नहीं आ सकता। मतलब मैंने अगर यहाँ पे स्विच केस ए किया है और केस वन दिया है तो यहाँ केस वन के एडजेसेंट में मैं कोई स्विच नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं कोई स्विच नहीं डाल सकता। वो एस देखिए उन दोनों का कलर भी अलग है, तो मतलब यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्विच दूसरा, ये स्विच एक एरर ही देगा हमें। तो केस के एडजेसेंट में मैं कोई स्विच नहीं लगा सकता और स्विच के अंदर मैं कोई स्विच नहीं लगा सकता। हाँ, केस के अंदर मैं स्विच लगा सकता हूँ, केस के अंदर भी मैं स्विच लगा सकता हूँ, क्योंकि केस के अंदर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं केस के अंदर, चाहे वो स्विच हो, एल्स हो, इफ हो, कुछ भी हो। लेकिन स्विच के इमीडिएटली अंडर मैं स्विच नहीं डाल सकता। तो यही डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच में। छोटे छोटे डिफरेंसेस और हैं, आप खुद ही पता लगाइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं स्विच में और इफ एल्स में, और आपको कब इफ एल्स यूज़ करना है और कब स्विच केस यूज़ करना है। तो आप समझ गए बेसिकली स्विच केस और इफ एल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं, दोनों के बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं। वैसे स्विच केस का तो कोई टाइप नहीं है, इफ एल्स के कितने टाइप्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लूप स्टेटमेंट्स, कि जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स कैसे लगा सकते हैं और एक ही स्टेटमेंट को बार बार कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं लूप में। तो अगले पार्ट में हम लूप्स देखेंगे। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। और जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लूप स्टेटमेंट्स, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लूप्स होते हैं और लूप्स करते क्या हैं, और जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लूप्स की डेफिनेशन, मतलब लूप्स होते क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। लूप्स मतलब एक ही ऑपरेशन को, एक तरह के ऑपरेशन को बार बार रिपीट करना। मतलब हमने एक कंडीशन दे दी कि जब तक आई छोटा है 10 से तब तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो, जब तक आई 10 नहीं हो जाता एक एक स्टेप चलो, ज़ीरो चलो फिर 1 आएगा। लूप्स एक ही ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आई की पहले वैल्यू दे दी 0 और मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक आई 10 से छोटा है एक एक स्टेप चलो, पहले 0 लो फिर 1 लो फिर 2 लो, ऐसे करके जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक आई के साथ कुछ करो, मतलब आई से ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो बार बार कुछ चीज़ बार बार करने के लिए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए लूप्स यूज़ होते हैं। लूप्स मतलब पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर उसी कंडीशन को लेके दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा उसी स्टेटमेंट में, उसी लूप में। जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट करना है तो मैं उसे दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को 10 बार लिख दूँ अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो, या तो मैं उसे लूप में लिख दूँ, लूप को मैं 10 बार चलाऊँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एक बार लिखूं लूप के अंदर तो वो 10 बार प्रिंट होगा। मतलब मैंने लूप 10 बार चलाया तो लूप 10 बार चलेगा और हेलो वर्ल्ड जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे 10 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो लूप्स ऐसे काम करते हैं, हमारे कोड को छोटा करने के लिए लूप्स यूज़ होते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो हम बिना लूप्स के नहीं कर सकते, जैसे 0 से लेके 10 तक या 0 से लेके n तक नंबर्स के सम फाइंड करना। जैसे मैंने 1 to 5 दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा कोड लिखना पड़ जाएगा अगर हम लूप्स यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत ही यूज़फुल होते हैं लूप्स। कुछ कुछ ऑपरेशंस इसके बिना भी परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस लूप्स से बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि लूप्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 तरीके के लूप्स होते हैं। सबसे पहला लूप होता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है ये, तो ये होता है बेसिक सिंटैक्स फॉर लूप का। तो मैंने फॉर के अंदर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है लूप में। जैसे मुझे 5 से लेके 15 तक चलना है, तो 5 से लेके 15 तक की के जो डिजिट्स हैं उन सबके सम फाइंड करने हैं, तो मैं इनिशियलाइजेशन में लिखूंगा वेरिएबल का नाम इक्वल टू 5। ऐसे करके मुझे अगर 0 से स्टार्ट करना है, अगर 100 से स्टार्ट करना है लूप को, तो मैं इनिशियलाइजेशन में ही उसकी वैल्यू डाल दूंगा। सबसे कॉमन जो वेरिएबल होता है जो हम लूप्स में यूज़ करते हैं वो होता है आई। तो आई हम भी यहाँ पे आई ही यूज़ करेंगे। तो इनिशियलाइजेशन में हम आई की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जहाँ से हमें लूप स्टार्ट करना है। और दूसरा है कंडीशन। कंडीशन में वो आएगा जहाँ पे हमें रुकना है, मतलब आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी, मतलब स्टार्ट कर दिया आई को। अब हमें ये लूप को ये बताना है कि हमें रुकना कहाँ है, मतलब आई की वैल्यू किससे छोटी होगी या किससे बड़ी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे आई ग्रेटर देन 10 और आई की इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 20। तो आई जब तक 20 से 10 तक नहीं आता तब तक लूप चलाओ, मतलब 10 बार लूप चलेगा। तो इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यूज असाइन करते हैं और कंडीशन में हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि कहाँ तक जाना है, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है लूप को। और तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमें बताएगा कि कितने स्टेप्स चलने हैं। जैसे मैंने आई की वैल्यू सबसे पहले दे दी 0 और मुझे 10 तक चलना है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मैं ये तय करूँगा कि मुझे कितने स्टेप्स लेके चलने हैं। जैसे आई की वैल्यू 0 हुई, एक बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद मुझे आई की वैल्यू क्या रखनी है। अगर मैंने यहाँ पे i++ किया तो दूसरी जो वैल्यू होगी i की वो 1 हो जाएगी, तो ये लूप चलेगा 10 बार। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया i इक्वल टू i प्लस 2, तो जो पहले थी i की वैल्यू 0, दूसरे इटरेशन में दूसरी बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2, मतलब 2। तो इवन नंबर में चलेगा i, जैसे पहले 0 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे करके 10 तक जाएगा। तो लूप चलेगा सिर्फ 5 बार। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे सकते हैं। डिक्रीमेंट तब देते हैं जब हम आई की वैल्यू कुछ बड़ी असाइन करते हैं और कंडीशन में हम चेक करते हैं कि जो हम वैल्यू हमने असाइन की है उससे छोटी कोई वैल्यू, तो डिक्रीमेंट तब यूज़ होता है। इंक्रीमेंट यूज़ होता है जब हम आई को 0 या 100 से असाइन करेंगे और कंडीशन में कोई बड़ी वैल्यू देंगे। तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को इनपुट लिया हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि a को हम बार बार कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू को हमें 10 बार प्रिंट करना है, तो हम a की वैल्यू को 10 बार प्रिंट करेंगे फॉर लूप की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि फॉर लूप में आएगा क्या। सबसे पहले तीन स्टेटमेंट्स होते हैं फॉर लूप में। तो सबसे पहले हम
स्टार्ट करेंगे फॉर लूप को, अगर हमें एक ही वैल्यू को 10 बार प्रिंट करना है तो हम लूप को 10 बार चलाएंगे। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं वेयर आई इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो ही दें, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आई की, और फिर आपको कंडीशन में उस वैल्यू से प्लस 10 करना पड़ेगा, तभी वो लूप 10 बार चलेगा। तो आई मैंने यहाँ पे ज़ीरो दे दिया है, तो कंडीशन में आ जाऊँगा मैं, कंडीशन में मैं लिखूँगा आई लेस देन इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, ये मैंने क्यों लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आई लेस देन, अगर आपने लिखा है आई लेस देन 10 तो आई की वैल्यू 9 तक ही चलेगी, मतलब आई 0 टू 9 ही चलेगा, 0 टू 10 नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आई लेस देन इक्वल टू 9। अगर हमें लूप को 10 बार चलाना है तो हमें 0 से 9 तक चलाना पड़ेगा या 1 से 10 तक चलाना पड़ेगा, तभी वो 10 बार चलेगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन बता दी कि जब तक आई 9 नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाओ। अब तीसरा स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि हमें आई की वैल्यू कितने स्टेप्स में चलानी है। तो अगर हमें लूप चलाना है 10 बार तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई प्लस प्लस, क्योंकि मैंने लूप को 0 से 9 तक चलाया है तो एक एक स्टेप चलूँगा। अब बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी पे वो स्टेटमेंट्स होंगे जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करने हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने ए की वैल्यू को 10 बार प्रिंट करना है, तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, क्या ए बार बार प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन में ए की वैल्यू प्रिंट हुई है, मतलब 10 प्रिंट हुआ है 10 बार, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है, मतलब लूप तो चला है, ए की वैल्यू बार बार प्रिंट हुई है लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट हुई है। तो इससे बचने के लिए हम HTML का एक टैग यूज़ करेंगे, इसी में यूज़ करेंगे ए प्लस इन्वर्टेड कोट्स में BR टैग यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। यहाँ पे लूप में हमें लाइन ब्रेक करना है तो हमें BR यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट अब एक लाइन में नहीं आ रहा है, एक सीध में आ रहा है। तो यहाँ हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या थी। तो ए की वैल्यू मैंने 10 बार प्रिंट करा दी, तो ऐसे ही यूज़ होता है लूप। तो अभी मैंने ऐसा स्टेटमेंट लगाया हुआ है फॉर लूप के अंदर जो किसी काम का नहीं है, जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अब ऐसे मैं एक एप्लीकेशन वाला प्रोग्राम बनाता हूँ, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है कितने नंबर तक मैं उन नंबर्स को ऐड करूँगा। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, 1 से लेके जितनी भी वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करेगा उस तक के सारे नंबर्स का सम मुझे प्रिंट करना है। तो अब हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे n कि हमें कहाँ तक लूप चलाना है, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ भी हम n से रिप्लेस कर देते हैं कंडीशन को, क्योंकि हमें n तक लूप चलाना है, हमें वहाँ तक लूप चलाना है जहाँ तक हमें यूज़र बोले। तो यूज़र ने n तक बोला तो हमें n तक लूप चलाना है। अब लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लूप के बाहर, वेयर c इक्वल टू 0। तो हमने c की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी है। अब उसके अंदर हम लूप के अंदर लिख देंगे c इक्वल टू c प्लस i। ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और इस लूप में मैं इसकी ये क्या कर रहा है ये मैं बताऊँगा कि ये सबसे पहले c की वैल्यू 0 थी, ठीक है। तो c की वैल्यू 0 हुई, जो सबसे पहला लूप चलेगा, जो सबसे पहला इटरेशन होगा लूप का, उसमें यहाँ पे 0 होगा, 0 प्लस 0, मतलब c की वैल्यू में 0 ही स्टोर होगा। तो मतलब हमें i की वैल्यू 0 लेने से कोई मतलब नहीं है,
तो हम आई को वन से स्टार्ट करेंगे तो तब यहाँ पे वन आ जाएगा, तो तब सी की वैल्यू हो जाएगी वन। जीरो प्लस वन होता है वन, तो सी की वैल्यू वन हो जाएगी पहले इटरेशन में। दूसरे इटरेशन में जब आई की वैल्यू टू होगी और सी की वैल्यू वन होगी, क्योंकि पिछले बार सी की वैल्यू हमने वन दे दी थी, तो दूसरे इटरेशन में सी की वैल्यू वन होगी और आई की वैल्यू टू होगी, तो दूसरे इटरेशन के बाद सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री। अब आते हैं तीसरे इटरेशन में, तीसरे इटरेशन में सी की वैल्यू थ्री हो गई, क्योंकि वन प्लस टू थ्री होता है, तो थ्री हो गई। आई की वैल्यू भी थ्री है तो यहाँ पे सी की वैल्यू, आई की वैल्यू भी थ्री हो जाएगी, तो सी की वैल्यू थ्री प्लस थ्री मतलब सिक्स हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमें सी की वैल्यू कैसे कैसे मिली है। सबसे पहले सी की वैल्यू जीरो थी, फर्स्ट इटरेशन के बाद सी की वैल्यू वन हुई, सेकेंड इटरेशन के बाद सी की वैल्यू हुई थ्री, और थर्ड के बाद सी की वैल्यू हुई सिक्स। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, टू थ्री फोर, ये हैं वन से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स। अब मैंने क्या बताया था, हमें एक प्रोग्राम बनाना है वन से लेके एन तक के सारे डिजिट्स को का सम रिटर्न करे। हम लूप चला रहे हैं एन नंबर तक। तो सबसे पहले इटरेशन में आई की वैल्यू वन थी, तो जब आई की वैल्यू वन थी, सी की वैल्यू जीरो थी, तो वन का आउटपुट आया वन। ठीक है, तो पहले इटरेशन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरे इटरेशन में आते हैं, दूसरे इटरेशन में आई की वैल्यू हुई टू, तो हमने क्या किया, टू को वन के साथ ऐड कर दिया। अब सी की प्रीवियस वैल्यू को हमने आई के साथ ऐड कर दिया, तो वन प्लस टू का जो आउटपुट आया वो आया थ्री। और फिर हमने थर्ड इटरेशन में थ्री प्लस टू किया, सी की वैल्यू और आई की प्रेजेंट वैल्यू, सी की प्रीवियस वैल्यू और आई की प्रेजेंट वैल्यू को हमने ऐड किया, तो आउटपुट आया सिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम सम निकाल रहे हैं, हम सम निकाल रहे हैं पूरे एन नेचुरल नंबर्स का। जहाँ तक हमने चलने को पूछा है यूज़र से, वहाँ तक हम सम निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट इक्वल टू सी नहीं लिख सकते, क्योंकि तब सी बार बार प्रिंट होगा, उतनी बार प्रिंट होगा जितनी बार हमने यूज़र से इनपुट लिया है, एन बार प्रिंट होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि सी की फाइनल वैल्यू प्रिंट हो। तो हम लूप के बाहर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमें सी की फाइनल वैल्यू देगा। जो सम आया एन नेचुरल नंबर्स का, वो आउटपुट हमें यहां मिलेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। तो हम देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आता है। हम थोड़ी देर के लिए वेरिएबल बी को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तो अब देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। यहाँ पे हमने n प्रोवाइड किया, चलिए 5 लिख देते हैं। तो पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 5 तक के नंबर्स का सम क्या होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होता है 15। तो अभी हम देखते हैं कि आउटपुट हमारा 15 आ रहा है या नहीं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने वेरिएबल ए को हमें n करना पड़ेगा, क्योंकि a नॉट डिफाइंड है, क्योंकि n नॉट डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आना चाहिए 5 के केस में 15। तो अब देख सकते हैं कि आउटपुट 15 आ रहा है, कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो लूप्स का काम बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने बहुत ही बेसिक लॉजिक लगाया है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किया है यहाँ पे। आप चाहें तो बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं इससे। जब हम एरेज पढ़ेंगे तब हम इस फॉर लूप को अच्छे से समझेंगे कि एरेज के केस में ये कितना यूज़फुल है, कि हम एरेज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के ज़रिए। तो हम तब देखेंगे फॉर लूप को फिर से। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के लूप पे, जिसको बोलते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी वही काम करता है, लेकिन व्हाइल लूप सिर्फ एक कंडीशन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। फॉर लूप के केस में हमने देखा था कि वो तीन कंडीशंस को आर्ग्यूमेंट लेता था, एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और फॉर लूप के केस में अगर आप कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं
तो भी वो चलेगा। मतलब आप कोई भी कंडीशन नहीं दें, आई को कोई इनिशियलाइज नहीं करें, आई की कोई कंडीशन नहीं दें, आई को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते हैं, तो भी लूप चलेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसे रुकना कहाँ है। तो जब उसे पता नहीं होगा कि उसे रुकना कहाँ है, तो वो उस लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो फॉर लूप के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इनफाइनाइट बार एग्जीक्यूट होगा। तो हो सकता है आपका वेब पेज हैंग हो जाए, तो उस कंडीशन को अवॉइड कीजिए। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसलिए वो मैंने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं वाइल लूप पे। वाइल पे सिर्फ एक ही कंडीशन को हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ पूरी बॉडी लिखते हैं वाइल लूप की। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितना स्टेप्स चलना है। वाइल लूप को इनिशियलाइज हम यहाँ कर देते हैं। वाइल लूप के पहले ही हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे c इक्वल टू जीरो किया है उसी को हम वाइल लूप में यूज़ करेंगे। तो उसको पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना स्टेप्स चलना है, तो वाइल के अंदर ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये फॉर लूप से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन जाती है और जो इनिशियलाइजेशन है और जो इंक्रीमेंट है वो अलग अलग जगह होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब तक जो कंडीशन हमने प्रोवाइड की है वो ट्रू होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक आप लूप को चलाओ। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम उसी चीज़ को यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं कि c लेस देन इक्वल टू n, बॉडी में हम लिख देंगे, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि c को तो हमने यूज़ कर दिया है, एक और वेरिएबल लेते हैं s, उसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम s इक्वल टू s प्लस c करेंगे। वहाँ पे हमने फॉर लूप में i को लिया था आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हमने c को लिया है, तो हम यहाँ पे i की जगह c यूज़ करेंगे, और इंक्रीमेंट के लिए i प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले c की वैल्यू को ज़ीरो लेगा, उसके बाद वाइल लूप में आएगा और चेक करेगा कि हमें वाइल लूप को चलाना कहाँ तक है। अगर n मैंने 5 डाला तो c इक्वल टू 0 से 5 तक लूप चलेगा, और वो कितने स्टेप्स में चलेगा वो हमने बाद में प्रोवाइड किया है। तो ये काम वही करेगा जो काम फॉर लूप ने किया था, ये भी वही काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के देखते हैं s, तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। फिर से यहाँ पे एक गलती कर दी है हमने, यहाँ पे i प्लस प्लस ले लिए जबकि हमें c प्लस प्लस लेना है। तो इस गलती को सुधार लीजिएगा। अब फिर से आउटपुट 15 ही आ रहा है। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पे, वही चीज़ की है जो हमने फॉर लूप में की थी, सिर्फ यहाँ पे हमने डिफरेंस ये किया है कि हमने वाइल लूप यूज़ किया है, और वाइल लूप को यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो सिर्फ कंडीशन को आर्ग्यूमेंट लेता है, जब तक वो कंडीशन 1 रिटर्न करती है तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स रन होंगे। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी, जैसे ही सी की वैल्यू एन से ज़्यादा हो जाएगी, तब ये लूप एंड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, जब तक ये कंडीशन 1 रिटर्न करती है तब तक वाइल लूप चलेगा। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे वाइल 1 लिख देते हैं, अगर वाइल 1 का मतलब होता है वाइल ट्रू भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वाइल ट्रू या वाइल 1 एक ही काम करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे वाइल 1 किया तो ये लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, मतलब हमेशा वाइल का आर्ग्यूमेंट है वो 1 है, हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो तब जो एग्जीक्यूशन होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स होगा, मतलब हमने कोई कंडीशन दी ही नहीं है, हमने एन से रिलेट ही नहीं किया है किसी चीज़ को, तो लूप बार बार चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा और इनफाइनाइट बार चलेगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं वाइल वन का। हम एन में कुछ भी डाल दें, हम एन में 1 भी डाल दें, तो भी ये लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो अगर हम n की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड करें, अगर n की वैल्यू हम 1 भी दे दें, तो भी वेब पेज कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा।
तो अगर आप किसी वेब पेज में देखते हैं कि वो लोड ही नहीं हो रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम है या कोई लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है, तो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। तो व्हाइल लूप जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो उसके बाद का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। तो इस तरीके का जो एरर है वो अवॉइड करने के लिए ही हम ये जो कंडीशन है वो अवॉइड करते हैं। व्हाइल को कभी भी इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चलाते। कभी भी वेबसाइट्स में, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स के लिए बनी है, तो कभी भी हम किसी भी लूप में इनफाइनाइट लूप नहीं लगा सकते। यही एरर आएगा और आपका पेज डिस्प्ले ही नहीं होगा किसी को भी। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइल लूप और फॉर लूप एक ही काम तो करते हैं, दोनों का एक ही काम है, बार बार लूप को चलाना, कंडीशन चेक करना, इनिशियलाइज करना और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रोवाइड करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों लूप्स क्यों बने हैं? तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि फॉर लूप में हमें तीनों कंडीशंस, तीनों स्टेटमेंट्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ प्रोवाइड करने पड़ते हैं आर्ग्यूमेंट में, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। एक ही टाइम पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या कंडीशन दी है, हमने क्या इंक्रीमेंट दिया है। तो हमारा जो डीबगिंग होगा, अगर कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है तो हमारी डीबगिंग ईजी हो जाती है फॉर लूप के केस में। व्हाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं और जो इनिशियल और जो बाकी है वो या तो पहले लेंगे या बाद में लेंगे। उस केस में डीबगिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बस दोनों में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फॉर्मेट है फॉर लूप और व्हाइल लूप को लिखने का वो अलग है। तो एक और टाइप का लूप होता है जिसे हम बोलते हैं डू व्हाइल लूप, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों अलग अलग लूप क्यों हैं, दोनों अलग अलग क्यों बनाए गए हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दोनों क्या है। तो इस पार्ट में मैंने फॉर और व्हाइल लूप डिस्कस किए, मैंने बताया कि दोनों के ऑपरेशंस क्या हैं, लूप्स क्या करते हैं और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है और दोनों कैसे सिमिलर हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप लूप्स से। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम डू व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट तक देखते रहिए, सीखते रहिए एंड गुड बाय। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के लूप्स का सेकंड पार्ट, यानी कि डू व्हाइल लूप। आज हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है और ये कैसे अलग है व्हाइल लूप और फॉर लूप से। तो पिछली बार हमने डू व्हाइल लूप डिस्कस नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम पूरा वही डिस्कस करेंगे, उसके बाद लूप्स ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि डू व्हाइल लूप कैसे होता, कैसे है और इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे ऊपर डू और यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। पहले के दोनों लूप में हम लोग का जो स्टेटमेंट था वहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के ट्रू होने पे ही वो लूप के ब्लॉक के अंदर जाता था और उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन यहाँ पे हमने शुरू में कोई कंडीशन प्रोवाइड ही नहीं की है, हमने कंडीशन प्रोवाइड की है यहाँ पे डू के बॉडी के बाद हमने व्हाइल लगा के कंडीशन प्रोवाइड की है। मतलब ये व्हाइल लूप की तरह ही काम करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट व्हाइल लूप की तरह होगा और इनिशियलाइजेशन भी व्हाइल लूप की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमने आखिरी में दी है ना कि शुरू में दी है। तो इससे एक चेंज आएगा एग्जीक्यूशन में, एक चेंज आएगा जो चेंज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वही मेन डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल लूप में। तो अभी हम देखते हैं कुछ प्रिंट करके। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू वेयर c इक्वल टू 0 और बॉडी में हम लिख देते हैं c इक्वल टू c प्लस
प्लस इक्वल टू एन, और हर बार हम प्रिंट कर देते हैं इसे। तो हमने यहाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जो फाइव, मतलब जो भी हमने यहाँ नंबर प्रोवाइड करेंगे सी में, तो जो भी हम एन में प्रोवाइड करेंगे उस नंबर का टेबल हमें प्रिंट करके देगा, प्रोवाइडेड वो, चलिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम 30 कर देते हैं ऐसे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 30 से छोटा होता है अगर सी, तब तक ये लूप चलेगा, मतलब हमने हर इटरेशन में सी की वैल्यू ऐड की है, तो जब तक सी 30 से छोटा होगा तब तक लूप चलेगा। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सी को बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन को टच करेगा और तभी लूप एंड होगा। तो अभी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे एन लेते हैं, यहाँ पे एन ले लेते हैं हम 5। तो एक मिनट, यहाँ पे हम ब्रेक भी लगा देते हैं, हमने ब्रेक लगाना भूल गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न प्रिंट हुआ है उससे आप पता लगा सकते हैं कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले सी में हमने एन की वैल्यू ऐड की जो थी 5 और प्रिंट करा दी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से एन को, एन 5 जो है उसको सी में ऐड की, जो सी की प्रीवियस वैल्यू थी उसी के साथ हमने एन को ऐड किया फिर से। तो सी की प्रीवियस वैल्यू थी 5, उसमें एन को ऐड किया 5, तो दोनों का सम हुआ 10। और फिर तीसरी बार भी हमने वही किया, जो सी की प्रीवियस वैल्यू थी 10, उसको एन से ऐड कर दिया 5 से, तो आ गया 15। ऐसे करके ये गया है 35 तक। हमने यहाँ कंडीशन दी थी सी लेस देन इक्वल टू 30, लेकिन लूप गया है 35 तक। ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं हम यहाँ पे लूप को थोड़ा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले ये डू में गया, सी की वैल्यू 0 थी, उसमें 5 इसने ऐड कर दी और प्रिंट कर दिया। ऐसा करके उसने, तो उसके बाद उसने कंडीशन चेक की सी लेस देन इक्वल टू 30 है या नहीं, तो सी इक्वल टू 5 मिला, तो कंडीशन ट्रू हुई, फिर से वो लूप के ऊपर गया। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है, मतलब सी लेस देन इक्वल टू 30 है और ये 1 रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तभी लूप में वापस जाएगा, तभी वो डू में वापस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने, जब सी, अब यहाँ पे लास्ट पे आ जाते हैं, जब सी इक्वल टू 25 था, तो C प्लस इक्वल टू N, मतलब 25 प्लस 5 30 हुआ और 30 इसने प्रिंट कर दिया, C इक्वल टू 30 प्रिंट हो गया। अब ये नीचे गया वाइल के पास। अब वाइल में कंडीशन थी C लेस देन इक्वल टू 30, तो यहाँ पे इक्वल टू की भी कंडीशन है, तो C इक्वल टू 30 कंडीशन ट्रू हुई। तो ये जो C लेस देन इक्वल टू 30 है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसने 1 रिटर्न किया, फिर से वो ऊपर गया, वाइल ने 1 रिटर्न किया तो डू में गया, फिर डू के अंदर आया, जो सी की वैल्यू है 30 उसमें 5 और ऐड कर दिया इसने, तो सी की वैल्यू हुई 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी एग्जीक्यूट होगा जो डू के अंदर है, तो वो भी एग्जीक्यूट हुआ और इसकी वैल्यू आई 35। अब 35 के बाद फिर उसने वाइल लूप को एग्जीक्यूट किया। अब वाइल में क्या हुआ, सी की वैल्यू 35 हो गई। अब 35 लेस देन इक्वल टू 30, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, इसने 0 रिटर्न किया, तो अब वो वापस डू में नहीं जाएगा। जैसे ही सी की वैल्यू 30 से ज़्यादा हुई, वो डू में नहीं जाएगा। ये कंडीशन को लास्ट में चेक कर रहा है, ना कि फर्स्ट में चेक कर रहा है, इसीलिए एक इटरेशन एक्स्ट्रा चला, एक कंडीशन एक्स्ट्रा चली, एक स्टेट, एक ब्लॉक एक्स्ट्रा चला। तो ऐसे ही होता है डू व्हाइल लूप, हमने कंडीशन लास्ट में चेक की है तभी ये एक बार एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। जैसे हमने 10 दिया एन को, 10 दिया तो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्लस 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्लस 20 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्लस 30 प्रिंट हुआ। जब सी की वैल्यू 30 थी तो उस कंडीशन ने 1 रिटर्न किया, उसके बाद वो फिर से ऊपर गया, फिर उसने काम किया, उसके बाद चेक की तो गलत आया। तो एक लूप चलने के बाद चेक की तो गलत आया, फिर रुक गया।
तो एक इटरेशन बाद रुक रहा है ये, जो कंडीशन हमने दी है उसकी एक इटरेशन एक लूप के बाद रुक रहा है, उसी कंडीशन में ये नहीं रुक रहा। तो एक केस हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स ही रखते हैं, सी लेस देन ज़ीरो, ये जो कंडीशन है ये हमेशा हमेशा फॉल्स रहेगी क्योंकि सी को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया है, तो सी लेस देन ज़ीरो कभी होगा ही नहीं, हमने सी की वैल्यू को ऐड किया है बस, उसको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा देखते हैं कि आउटपुट आ क्या रहा है। वाइल लूप के केस में जब कंडीशन फॉल्स होती है, शुरू में ही फॉल्स होती है, तो लूप चलता ही नहीं है, लूप के अंदर जाता ही नहीं है वो। यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो अब देख सकते हैं कि लूप चला है, एक बार लूप चला है, एक 5 प्रिंट हुआ है। तो यही डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ कि डू बाई लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। आप चाहे यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगाएं, चाहे आप शुरू में ही फॉल्स कंडीशन लगा दें, डू वाइल लूप एट लीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमने शुरू में कंडीशन प्रोवाइड नहीं की है, हम लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं। एक हम लूप को बोल दे रहे हैं कि तुम एक बार चलो, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि आगे चलना है या नहीं। एक बार चलो फिर हम देखेंगे कि आगे चलना है या नहीं, क्योंकि डू के बाद उसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वाइल में आया, अगर वाइल ने 1 रिटर्न किया तो वो वापस जाएगा, और वाइल ने 0 रिटर्न किया तो वो डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार चलेगा, एटलीस्ट एक बार उसका लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे आपने जो भी कंडीशन दी हो। तो यही डिफरेंस है एक डू वाइल और एक वाइल लूप में। फॉर लूप और वाइल लूप में एक सिमिलैरिटी थी कि हमने कंडीशन लूप के चालू होने से पहले चेक की थी, और यही डू वाइल लूप में हमने लूप के चालू होने के और एक ब्लॉक ख़त्म होने के बाद चेक की है। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। डू वाइल ऐसे काम करता है, अगर आपको लूप को एटलीस्ट एक बार चलाना है या फिर कंडीशन चेक होने के बाद लूप को एक बार और चलाना है तो आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर आपको वेब पेज में कुछ तो डिस्प्ले करना है, कोई भी यूज़र इनपुट पे, चाहे यूज़र कुछ भी इनपुट करे या कोई भी कंडीशन हो, आपको कुछ ना कुछ तो प्रिंट करना है, तो इस केस में आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि एटलीस्ट एक बार लूप चलता है, तो डू वाइल लूप के केस में एरर आना बहुत कम हो जाता है। तो डू वाइल लूप इस रिस्पेक्ट में ज़्यादा सही है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हमने लूप के बाद कंडीशन चेक की है, तो इस केस में एक कंडीशन के बाद भी लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक बार के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी वो चलेगा। तो हम कंडीशन देख के ये बता नहीं सकते कि लूप कब तक चले, तो इसलिए डू वाइल लूप कम यूज़ होता है, लेकिन यूज़ होता है। बट सबसे मेन जो लूप्स हैं वो फॉर लूप और वाइल लूप ही रहेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हैं और वो सही काम करते हैं, उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे लूप स्टेटमेंट्स। 3 तरीके के बेसिक लूप्स मैंने डिस्कस किए, फॉर वाइल और डू वाइल लूप। मैंने बताया कि सब कैसे काम करते हैं, सबकी सिमिलैरिटीज, डू वाइल लूप में जो मेन डिफरेंस है वो भी मैंने बताया, लूप्स के एप्लीकेशंस मैंने बताए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी प्रोग्राम को बनाने में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एरेज़ के बारे में, कि एक वेरिएबल को हम एरे कैसे बना सकते हैं और एरेस में हम क्या स्टोर कर सकते हैं और एरेस के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक लूप के ज़रिए। तो लूप के माध्यम से हम एरेस के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और एरेस ख़त्म हो जाने के बाद हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, और फंक्शंस जब ख़त्म हो जाता है तो ये कोर्स एंड हो जाएगा, मतलब बिगनर्स कोर्स फंक्शंस तक चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आप बताइएगा मुझे कि अगर मुझे ये आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं फंक्शंस तक ही बताऊंगा बिगिनर्स कोर्स में, उसके बाद आगे के जो कोर्सेस होंगे उसमें मैं नेक्स्ट पार्ट्स डिस्कस करूंगा, थोड़े एडवांस में जाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट तक देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। और जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट एरेज़ के बारे में, कि एरेज़ क्या होते हैं और इनसे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो देखिए, इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी वेब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एरेज ही है, और एरेज इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि एरेज होते क्या हैं। एरेज को आप लिस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एरेस थोड़े बहुत होते क्या हैं, कि एरेस में आप एक टाइप के बहुत सारे एक ही वेरिएबल में बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वार सी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे वार सी इक्वल टू वन कर दूँ तो मैं सी में वन को स्टोर कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो वेरिएबल है सी, उसमें मैं वन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं 1.2 नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं सी में ही दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेर डी इक्वल टू 2। तो मुझे अगर बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी है तो मुझे उतने ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज को स्टोर करके उनसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे सी से लेके बहुत सारे 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उनमें सारी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो इतने सारे वेरिएबल्स और इतनी सारी मेमोरी यूज़ करना कोई एफिशिएंट काम नहीं है। तो इसी के लिए हम एरेज डिक्लेयर करते हैं। एरेज बेसिकली क्या होते हैं, आप एरेज के ज़रिए या लिस्ट के ज़रिए एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एरेज में सिमिलर डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर होते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया तो एक एरे में मैं सिर्फ नंबर्स ही स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करनी है या कैरेक्टर स्टोर करना है तो मुझे दूसरा एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा कैर डेटा टाइप से। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डेटा टाइप नहीं होता, हालांकि होता है, लेकिन हमको यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं एक एरे में। अगर आप चाहें कि एक एरे में मुझे 1 भी स्टोर करना है, ए भी स्टोर करना है या 1.0 भी स्टोर करना है, तो आप उसको एक ही एरे में स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसा कि सी या सी प्लस प्लस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि आप सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक एरे में, डिफरेंट को नहीं कर सकते। अलग अलग डेटा टाइप्स को आप स्टोर नहीं कर सकते एक ही एरे में, जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हैं। तो एरेस का मतलब यही होता है कि आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उस वैल्यूज़ की अपनी ही पोजीशन होती है एक वेरिएबल में। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको मतलब समझना ज़रूरी है एक एरे का। तो चलिए देखते हैं कि एरेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेर सी इक्वल टू, अब उसके आगे हम कोई वैल्यू लिख सकते हैं, हम कोई ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है। तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट हमको ये बताता है कि हमने एक वेरिएबल को एरे बनाया हुआ है, और एरेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरेस की जो भी वैल्यू होगी एक एरे की, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक एम्प्टी एरे बनाया है जिस एरे में कोई भी वैल्यू अभी मैंने दी नहीं है, लेकिन मैंने सिस्टम को ये बता दिया है कि सी एक एरे है तो उसको एक एरे की तरह ही ट्रीट करेगा सिस्टम, ना कि किसी नॉर्मल वेरिएबल की तरह। एरे एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप कह सकते हैं आप, जिसमें आप बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल की हेल्प से। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हम बहुत सारी वैल्यूज डाल देते हैं एरे में। तो एरेस में वैल्यूज हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। मैं यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ सी में, तो मैंने सी में 1, 2, 3, 4, 5 स्टोर कर ली। अब मैंने सी में स्टोर तो कर ली, अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि थ्री कैसे स्टोर करना है, 3 के साथ कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर मैं सी को प्रिंट कर दूं
डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी कर दूं तो मुझे 1 या 2 या 3 ऐसे डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे पूरा लाइन से डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5। तो अभी करके देख लेते हैं कि सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी करने से आउटपुट आता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सी में जो मैंने सी प्रिंट किया है वो पूरा एक एरे प्रिंट कर दे रहा है, मतलब सी में जितनी भी वैल्यूज मैंने स्टोर की हैं वो सारी प्रिंट हो जा रही हैं, ना कि एक सिंगल वैल्यू। तो अब हम कोई भी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे एक एरे में, तो उसके लिए काम आते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं, उस वेरिएबल में, उस एरे वेरिएबल में उस एलिमेंट की जगह एक इंडेक्स कहलाती है, और वो इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का जो इंडेक्स हुआ यहाँ पे, 1 की जो एड्रेस हुई सी में वो 0 होगी, और 2 की होगी 1, 3 की होगी 2, 4 की होगी 3 और 5 की होगी 4। यहाँ पे हम थोड़े डिस्टिंक्शन दे देते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं, ए तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया है कि ए का जो इंडेक्स होगा यहाँ पे वो 0 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा और ई का 4 होगा। तो अब हम देखते हैं कि इंडेक्सेस को कैसे लिखा जाता है। अगर मुझे यहाँ पे ए को एक्सेस करना है किसी वेरिएबल सी में, जो कि एरे वेरिएबल है, उसमें मुझे ए को एक्सेस करना है, ए को प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे सी स्क्वायर ब्रैकेट्स, अंदर में उस इंडेक्स की वैल्यू जो ए की एड्रेस को स्टोर करती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के नीचे 0 लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो ए की एड्रेस है सी के अंदर वो है 0। तो मैं यहाँ पे सी ऑफ 0 लिख दूंगा, मतलब सी में जो 0th एड्रेस पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो सी ऑफ 0 में प्रिंट होना चाहिए ए, तो अब देखते हैं कि आउटपुट आता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ए, तो हमने सी में ए की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, सी की फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सी में अगर आप कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्स या उसका एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूंगा सी ऑफ 1, तो सी ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे बी प्रिंट हो रहा है, मतलब सी ऑफ 1 बी ही है, तो मुझे वो प्रिंट हो रहा है। जो तो ऐसे करके आप एक एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सेस के जरिए। 0 1 2 3 यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, और ये 0 1 2 3 ही रहेंगे। इंडेक्सेस हमेशा इंटीजर में रहते हैं, वो कभी स्ट्रिंग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे यही चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो ये तो एक तरीका हो गया एक एरे को डिक्लेयर करने का। अब एक और तरीका है न्यू कीवर्ड यूज़ करके। तो जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है, एक ऐसा फंक्शन नहीं कह सकते इसे आप, ये एक कीवर्ड है जो एक क्लास आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट करता है। जैसे मैंने न्यू लिखा है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो सी इक्वल टू न्यू, मतलब इसके आगे हमें क्लास वेरिएबल, हमें क्लास को लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि न्यू कीवर्ड उसके आगे एक क्लास का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं एरे क्लास को डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे। क्लासेस क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लासेस बिगिनर्स कोर्स के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्लासेस भी डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे, डे क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, एरे क्लास, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप क्लासेस को छोड़ दीजिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ उसी को समझिए। एरेस के टर्म्स में जो क्लास होती है वो होती है एरे, और क्लासेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं,
ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी ध्यान रखिए कि क्लास के नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सी में। ये न्यू कीवर्ड जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये एरे है, ये एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया सी। तो अब सी एक एरे बन गया है। तो एरे क्लास के आर्ग्यूमेंट्स में हम जो भी प्रोवाइड करेंगे वो सी में चला जाएगा, वो सी के एरे में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे वही चीज़ स्टोर करते हैं, ए बी सी ऐसे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ फिर से मैं वही प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ सी ऑफ ज़ीरो। अब देखते हैं कि आउटपुट वही आता है या नहीं। तो आउटपुट वही आ रहा है, मतलब हमने सी में वही काम किया है। हमने एक एरे को दो तरीकों से डिक्लेयर किया है। पहला तो था एक सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यूज लिख दो तो बाय डिफॉल्ट वो एरे में ले लेगा, और दूसरा था न्यू कीवर्ड के ज़रिए जो कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। जो एरे क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है वो सी है, और सी में एरेस की वैल्यू स्टोर हो गई, ये सारी वैल्यूज स्टोर हो गई सी में। तो अब हम यहाँ पे थोड़े ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं एरेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल एस। और अब हम यहाँ पे सी की जो पहली वैल्यू है और सी की जो दूसरी वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी ऑफ ज़ीरो प्लस सी ऑफ वन, और प्रिंट करेंगे एस। तो अब आप पता लगाइए कि आउटपुट क्या होना चाहिए। आपको अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि आउटपुट होगा ए बी। तो ए बी आउटपुट आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो मैंने पहले भी बताया है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे हमेशा कंकैटेनेशन ही परफॉर्म होता है, ना कि एडिशन। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल में ए को वन ले लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू वन ले लेते हैं और सेकंड वैल्यू टू ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि एक एरे में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ हम करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है या नहीं। अगर कोई एरर नहीं आएगा मतलब हमने सही डिक्लेरेशन किया है। तो आउटपुट आ रहा है थ्री, मतलब हमने कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिया है सिस्टम को, मतलब ये जो डिक्लेरेशन मैंने किया है 1, 2, C ये सही है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट एरे में। तो अब आप समझ गए। तो सी ऑफ ज़ीरो प्लस सी ऑफ वन इसने किया, सी ऑफ ज़ीरो में जो वैल्यू थी वन उसको सी ऑफ वन की वैल्यू से ऐड कर दिया जो कि टू थी। तो ये तो हो गया सिंपल ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं कि एक लूप के जरिए एरेस के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे एक एम्प्टी एरे क्रिएट करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। अब सिस्टम को पता चल गया कि सी एक एरे है, अब उस एरे में हम कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा फॉर वेयर आई इक्वल टू ज़ीरो, और उसको मैं 10 तक चलाऊंगा। तो ये चलेगा 0 to 9 बार, क्योंकि मैंने इक्वल टू 10 नहीं किया है, तो ये 10 बार चलेगा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे आई की वैल्यू सी में स्टोर करनी है, मतलब आई की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मुझे सी के एरे में स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे सी ऑफ आई लिखूंगा, मतलब सी ऑफ, मतलब पहले लूप के ट्रेचन में सी जब आई ज़ीरो होगा तो सी ऑफ ज़ीरो में स्टोर हो जाएगी आई की वैल्यू जो कि ज़ीरो है। तो फर्स्ट पोजीशन में ज़ीरो स्टोर होगा, और फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू वन होगी, तो सी ऑफ वन में स्टोर होगा वन। सी ऑफ वन जो दूसरी वैल्यू होगी सी में वो होगी वन। ऐसे करके 10 बार लूप चलेगा और 10 वैल्यूज सी में स्टोर हो जाएंगी सी ऑफ आई, मतलब सी ऑफ 9 तक की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी सी में जो कि आई होगी।
तो यहाँ हम प्रिंट करके देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके देखते हैं सी और देखते हैं कि आउटपुट आता है या नहीं। तो मैंने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, उसमें मैंने लूप के जरिए वैल्यूज डाली हैं, तो अब आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। तो आउटपुट आ रहा है 10 वैल्यूज, मतलब हमने 10 वैल्यूज डाली हैं एक लूप के जरिए। तो सी ऑफ 0 में आई स्टोर हुआ, सी ऑफ 1 में आई स्टोर हुआ, ऐसे करते करते सी ऑफ 9th की वैल्यू स्टोर हो गई। तो एम्प्टी एरे में हमने लूप के जरिए वैल्यूज ऐड कर दी, जो कि बहुत ईजी काम है। हमें अगर कोई डायनामिक वैल्यू स्टोर करनी है एक वेरिएबल में, एक एरे में, तो हम उसे लूप के जरिए कर सकते हैं। अब यहाँ आई प्लस वन करते हैं, तो जो आई की वैल्यू थी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आई प्लस वन स्टोर करते हैं, तो जो आई की वैल्यू यहाँ पे आई थी उन सब में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, क्योंकि हर बार लूप चलेगा और हर बार आई की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज को प्लस 1 करके जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 to 10 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 10 वैल्यूज जो हैं, जब आई 0 से स्टार्ट हो रहा था तो जो वैल्यू स्टोर हुई वो हुई आई प्लस 1। ऐसे कर करके आप बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक एरे में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एरेस के फंक्शंस, कि एरेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं एरेस में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सी में हम कोई भी रैंडम वैल्यूज असाइन कर देते हैं। अब थोड़े फंक्शंस देखते हैं एक एरे में हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं इनबिल्ट, जो पहले से ही जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड फंक्शंस हैं एरेस के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है सॉर्टिंग का, एक एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यूज असाइन किए हैं सी में, जो कि सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम इसको सॉर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू सॉर्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जो इनबिल्ट फंक्शन होता है सॉर्टिंग का, वो होता है एरे का नाम यानी सी डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करेगा, एक एरे को, एक एरे के एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एस करने से आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सॉर्ट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने सी को सॉर्ट कर दिया, सी के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया जो कि रैंडम थे, मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमको असेंडिंग में सॉर्ट नहीं करना है, हमको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे वेर डी इक्वल टू, अब बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट फंक्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे और उसके बाद उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। तो जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ था वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स करने से। तो अब एस को ही हम रिवर्स कर देते हैं। जो रिवर्स फंक्शन है वो एक एरे के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट एस को एरे ले लिया है, क्योंकि सी डॉट सॉर्ट की जो रिटर्न वैल्यू होती है वो भी एक एरे ही होती है। तो यहाँ पे एस भी हमारा एक एरे ही है। तो एस डॉट रिवर्स करने से आउटपुट आएगा 6 5 4 3 2 1, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो आप समझ गए कि एरेस के एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो रिवर्स फंक्शन भी हमने यहाँ पे बता दिया। अब मान लीजिए मुझे कोई भी दो एरेस के वैल्यूज को कनकेटेनेट करना है। कनकेटेनेट मतलब कोई भी दो एरेस की जितने भी वैल्यूज हैं उन दोनों को जोड़ना है। मतलब मैंने यहाँ पे वेर डी किया, अगर वेर डी भी एक एरे बना दिया और वहां से मैंने ये वैल्यूज ले ली, अब मुझे एक ऐसा लिस्ट बना, एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे 1 से लेके 12 तक के एलिमेंट स्टोर करने हैं।
एक ही लिस्ट में मुझे 1 से लेके 12 तक स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी और डी को कंकेटनेट करना पड़ेगा, दोनों एरेस को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं वेर एस में, कंकेटनेट फंक्शन बनाते। तो सी डॉट कंकेटनेशन के लिए फंक्शन होता है कंकेट, और उसके अंदर आएगा जिस एरे से हमको कंकेटनेट करना है, मतलब सी में हमको जो एरे जोड़ना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे एस में सी डॉट कनकेट डी किया है, मतलब दोनों एरेस को जोड़ दिया है। तो अब देखते हैं कि आउटपुट आता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है ये, तो मतलब 1 से लेके 12 तक जो भी वैल्यूज थी वो मैंने डी में स्टोर कर दी हैं, मतलब सॉरी एस में स्टोर कर दी हैं। तो कंकेटनेशन ये काम करता है, दो एरेस को जोड़ देता है। अब एक और फंक्शन होता है, जैसे कि हमको एक कोई भी एक एलिमेंट का जो एक एरे में स्टोर है उसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ और उस एलिमेंट का नाम। जैसे मुझे यहाँ पे जो 6 है उसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, तो जो सी में जो 6 का पोजीशन है वो यहाँ पे एस में स्टोर हो जाएगा। तो अब एस को प्रिंट करके देखते हैं, आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे 2। तो अब देख सकते हैं आउटपुट 2 आ रहा है, मतलब इंडेक्स 6 का इंडेक्स था सी एरे में वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब एक और फंक्शन होता है ज्वाइन, सी डॉट ज्वाइन, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स डाल देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब ज्वाइन क्या करेगा, एक एरे के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देगा, मतलब एक एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसको एस में स्टोर कर देगा। जैसे कि एक एरे है सी, ए बी सी डी ई स्टोर है उसमें, तो एस में एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी ए बी सी डी ई। तो एस एक एरे बनने के बजाय एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अब देखते हैं एस में स्टोर क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग ही प्रिंट हुई है, पर यहाँ पे इसने कॉमा को भी एज ए सेपरेटर ले लिया है। मतलब अगर आप ज्वाइन में कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कॉमा से सेपरेट कर देता है एक स्ट्रिंग को। तो हमको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा अगर हमको प्योर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सेपरेटर कहलाता है, ज्वाइन सेपरेटर। मतलब एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, मतलब एरे के एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए जिससे वो दोनों वैल्यू सेपरेट हों एक स्ट्रिंग में, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई भी स्पेस ना हो, तो हम यहाँ पे एक नल स्पेस सेपरेटर यूज़ करेंगे। ये कोई स्पेस नहीं देता है, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देगा बिना किसी कॉमा के। तो अब यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट एक स्ट्रिंग आ रही है और दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं हम, तो दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगी, ये स्पेस यहाँ पे जुड़ गई। तो अगर आपको प्योर स्ट्रिंग बनानी है तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं देंगे। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन फंक्शन। तो अगर आपने एरेस थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पुश और पॉप फंक्शंस क्या होते हैं। पुश का मतलब होता है एक एरे में एक वैल्यू को डाल देना। जो पुश में हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे वो एक एरे के लास्ट में स्टोर हो जाएगा, वो एलिमेंट एक एरे में अपेंड हो जाएगा, वो उसके लास्ट में चला जाएगा, जुड़ जाएगा एक एरे से। तो यहाँ पे हम सी एरे में एफ डालना चाहते हैं, मतलब ई के बाद हम एफ डालना चाहते हैं। तो यहाँ सी जो एरे है वो अपडेट हो जाएगा और उसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ। तो हम यहाँ पे सी को प्रिंट करके देखते हैं कि सी में क्या स्टोर हुआ है। तो आप देख सकते हैं एरे अपडेट हो गया है, एफ जुड़ गया है उसके लास्ट में। तो सी डॉट पुश
एक एरे में एक एलिमेंट को डाल देता है लास्ट में डाल देता है। तो एस में क्या स्टोर हुआ? तो ये जो पुश फंक्शन है वो एरे की लेंथ रिटर्न करता है उस एलिमेंट को डालने के बाद। मतलब मैंने एफ डाल दिया एक एरे में, पुश कर दिया एफ को, और उसके बाद जो एरे की लेंथ हुई जो कि 6 हो गई वो रिटर्न करेगा पुश फंक्शन। तो हमारा जो एस है उसमें स्टोर हो जाएगी एरे की लेंथ एलिमेंट को पुश करने के बाद। तो पहले हमारी सी की जो लेंथ थी वो 5 थी, एक एलिमेंट को पुश करने के बाद हो गई 6। तो यहाँ पे एस में स्टोर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई 6, मतलब जो पुश फंक्शन है वो एरे की लेंथ रिटर्न करता है। और अब आ जाते हैं पॉप पे। पॉप क्या करता है? ये लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है एक एरे से। अभी हमने कोई वैल्यू पुश नहीं की है तो एफ सी में है ही नहीं, तो यहाँ हम ई डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो ई एलिमेंट है यहाँ पे, ये इसको पॉप कर देगा एरे से, मतलब इसको हटा देगा। तो अब सी को प्रिंट करके देखते हैं कि सी में क्या आता है, ई हटा है या नहीं। तो अब देख सकते हैं कि ई हट गया है एरे से। तो मैंने लास्ट एलिमेंट जो था एरे का वो डिलीट कर दिया पॉप फंक्शन से। अब ये जो पॉप फंक्शन है वो एरे की लेंथ नहीं रिटर्न करता है, वो लास्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करता है। मतलब जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया है, जो मैंने पॉप में आर्ग्यूमेंट दिया है वो ही रिटर्न करेगा पॉप। तो एस में स्टोर हो जाएगी ई, ना कि एरे की लेंथ जो पुश में होता था। यहाँ पे पॉप वो एलिमेंट रिटर्न करता है जो हमने उसके आर्ग्यूमेंट में डाला हुआ है। तो एस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ई। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हो गई ई। तो ऐसे ही आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक एरेस के साथ, एक एरे के साथ। आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए कि एरेस के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं और उन्हें खुद इंप्लीमेंट करके देखिए। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया एरेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी मैंने करके बताया एरे के, और भी बहुत फंक्शंस होते हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। सबको एक एक करके परफॉर्म करके देखिए आउटपुट क्या आता है, कैसे आता है, और एरेस पे एप्लीकेशंस क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं एरेस को लेके, एरेस डिक्लेरेशन को लेके या एरेस के ऑपरेशंस को लेके, तो आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। और इस पार्ट में एरेस के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें कैसे कॉल किया जाता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आखिरी होगा बिगिनर्स कोर्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोर्स को और आगे बढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो एरेस के प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरेस बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ईजी है पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अब आपकी बारी है। देखिए, सीखिए, करिए और पूछिए अगर आपके कोई भी सवाल हैं, लेकिन करना मत छोड़िए। अगले वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। और जावास्क्रिप्ट के इस आखिरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्यों फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं और कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं, और फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? फंक्शन सबसे पहले एक ब्लॉक होता है, एक कोड का ब्लॉक होता है। जैसे हम फॉर लूप के अंदर एक ब्लॉक लिखते हैं और इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ब्लॉक लिखते हैं, वैसे ही फंक्शन के अंदर भी हम एक ब्लॉक स्टेटमेंट लिखते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसमें, आप फंक्शंस में कोई भी काम कर सकते हैं। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ही होता है जिसमें हम एक ही साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको अपने कोड में एक ही काम को बार बार करना है। मैं यहाँ पे लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, लूप अलग चीज़ होती है। फंक्शंस आप जब चाहें तब कॉल कर सकते हैं। लूप को आप जब चाहें तब कॉल करेंगे तो वो एक साथ पूरा लूप चल जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमें एक ही बार फंक्शन चलाना है जब भी हम चाहें। जैसे हम एक बटन पे क्लिक करें तो हमें कुछ कर रहे हैं,
और अगर एक वेब पेज पे क्लिक करें तब कुछ करना है, और माउस को अगर किसी टेक्स्ट पे ले जाएं तब कुछ करना है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, और हमको एडिशन करना है दो नंबर्स का। हमने एक नंबर यूज़र को दे दिया, तो जब हमने अपना नंबर दिया और ओके दबाया तब हमें कुछ काम करना है। फंक्शंस बेसिकली इवेंट हैंडलिंग में काम आते हैं। जैसे मैंने वेब पेज में कुछ किया, कुछ एक्शन किया, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, जैसे बटन पे क्लिक किया या किसी लिंक पे माउस लेके गया या किसी कोई भी इवेंट हैंडलिंग। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन चेंज, ये सब इवेंट्स होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली यही काम करते हैं कि हमें अपनी मर्जी से जब भी हम कुछ करवाना चाहें हम प्रोग्राम से करवा सकते हैं। और हमने फंक्शन एक बार बना दिया तो हम बहुत सारे वेब पेजेस में एक साथ वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना बार बार उसे लिखे। तो फंक्शन हमने एक बार बना दिया तो हमें उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, हम जितनी बार चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो फंक्शन स्टार्ट होता है फंक्शन कीवर्ड से। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाद आता है उसका नाम कि आपको फंक्शन का नाम क्या रखना है। तो फंक्शन, एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ एडिशन का, तो दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो फंक्शन के बाद आएगा फंक्शन का नाम ऐड, और उसके अंदर आएंगे पैरामीटर्स। अब ऐड के अंदर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है। हमने यूज़र से इनपुट लिया है कुछ, और उस इनपुट को हमें किसी नंबर के साथ ऐड करना है। तो अगर हमने इनपुट लिया है तो उस इनपुट को हमें रिसीव करना पड़ेगा फंक्शन में, तब जाके उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम उसे रिसीव करने के लिए फंक्शन के अंदर उसे एज ए आर्ग्यूमेंट लेते हैं। तो ऐड के अंदर वो आर्ग्यूमेंट आएगा जो हमें यूज़र से लेना है, जो हमें यूज़र से लिया है। तो ऐड के अंदर वो आर्ग्यूमेंट आएगा जो हमने यूज़र से लिया है या जो चेंज हो सकता है। फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो चेंज नहीं होता है, तो प्रोग्राम में जो चेंज हो रहा है वो हम एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं एन पूरा, और उसके बाद आएगा पूरा कोड का ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी करना चाहें वो कर सकते। अब इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम जो भी करना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मुझे कोई नंबर इनपुट कराने के बाद उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊंगा, रिटर्न एन इंटू 5। अब ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न जब भी कॉल होगा तो वो फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होगा। रिटर्न के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये बात याद रखिए। रिटर्न सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी फंक्शन का। तो रिटर्न क्या करता है, ये हमें फंक्शन की वैल्यू देता है। फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी। तो फंक्शन में जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो फंक्शन की वैल्यू बताता है, फंक्शन की वैल्यू देता है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सी इक्वल टू एड एन, तो ये क्या करेगा, ये जो एन मैंने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ है उसको लेगा, और जो उसके बाद स्टेटमेंट है सी इक्वल टू एड एन, तो उस एन को पहले वो इस फंक्शन में जाएगा। जैसे ही मैंने ये लिखा सी इक्वल टू एड एन, तो एड एन एक फंक्शन है, एड एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ, तो जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखता हूँ तो भी वो कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल ऐसे होता है, हम यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो जैसे ही वो कॉल हुआ वो यहाँ अंदर आया, फंक्शन ऐड में आया, और उसने ये वैल्यू रिटर्न की n इंटू 5। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वैल्यू उसमें जाएगी जिस वेरिएबल से आपने उस फंक्शन को कॉल किया है, जैसे c। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट c करूँ तो उसकी वैल्यू आएगी फंक्शन की वैल्यू जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी n इंटू 5, जो फंक्शन की वैल्यू है। जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी क्योंकि उसका रिटर्न स्टेटमेंट है ये। तो अभी हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, अभी इसे प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट आता क्या है।
तो देखिए आउटपुट आ रहा है 25, मतलब हमने फंक्शन को कॉल किया और उसकी वैल्यू को सी में स्टोर कर दिया। जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ एड एन, तो यहाँ पे उसने एन की वैल्यू ली, यहाँ से उसने एन की वैल्यू ली, फिर यहाँ उसने एड में आर्ग्यूमेंट डाल दिया एन जो हमने इनपुट लिया था, और यहाँ पे इसने जब कॉल किया फंक्शन को तो उसने रिसीव किया एस एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5। तो रिटर्न जब उसने किया, रिटर्न हो गया 5 × 5, तो 5 × 5 की जो वैल्यू आई वो फंक्शन की वैल्यू स्टोर हो गई सी में। तो जब मैंने सी को राइट किया है तो आउटपुट आया है 25। अब यहाँ आप ध्यान रखिए कि आपको यहाँ एन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, ए भी लेंगे तो भी आउटपुट वही आएगा, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप अलग है। जो भी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है उसको यहाँ पर रिसीव करने के लिए आपको कोई वेरिएबल देना पड़ेगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वही वेरिएबल हो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है, तो वही आ रहा है आउटपुट। तो आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं रिसीव करने के लिए। तो ये तो हो गया सिंपल फंक्शन। अब आ जाते हैं इवेंट हैंडलिंग पे, कि मुझे चाहिए कि मैं बटन पे क्लिक करूँ और मुझे ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर देते हैं, बटन हम डेमो पेज में ऐड करेंगे जो ये पेज है, क्योंकि ये HTML पेज है, जावास्क्रिप्ट में हम बटन ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम P के बाद एक बटन डाल देते हैं और बटन के अंदर जो हमें लिखना है, मैं यहाँ पे क्लिक में लिख देता हूँ। तो यहाँ हमने एक बटन बना दिया है। अब मुझे क्या चाहिए कि बटन के क्लिक होने पे, ये बटन जब मैंने क्लिक किया तब मुझे ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए और आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट पॉपअप आना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि रिसीव करने के लिए मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसी को मैं लिख दूंगा मैं, तो इसी के अंदर मैं एक पॉपअप बना दूंगा, अलर्ट बना दूंगा, अलर्ट बॉक्स बना दूंगा। अलर्ट बॉक्स के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, अलर्ट बॉक्स के बारे में पहले मैंने बताया हुआ है कि ये क्या करता है। अलर्ट के अंदर भी मैं वही लिखूंगा जो मैं पहले लिख रहा था रिटर्न में, तो ए इंटू 5 अलर्ट हो जाएगा जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन में एक इवेंट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने बटन में कुछ दिया नहीं है, तो बटन को पता कैसे चलेगा कि हमें ये ऑपरेशन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो अगर उसे ये पता नहीं चलेगा तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे अभी हमने एक कोई भी इवेंट नहीं डाला है, तो हमें यहाँ पे एक इवेंट डालना पड़ेगा बटन का, जो है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू जो भी हम फंक्शन हमें परफॉर्म करना है उस फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन का नाम है ऐड। अब ऐड में मैं क्या लिखूंगा, अब मैं ऐड में ऐड एन नहीं लिख सकता, क्योंकि जब ये बटन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये बटन लोड हो रहा है, तब एन की वैल्यू मैंने इनपुट ली ही नहीं है, स्क्रिप्ट उसके बाद एग्जीक्यूट की है मैंने। तो मैं अगर पहले ही एन को यहाँ पे यूज कर लूँ तो एरर बताएगा, तो अब मैं यहाँ पे एरर नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अलर्ट में डाल दूंगा 5 × 5, खुद से ही मैं 5 डाल दूंगा और यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मैं नहीं ले रहा। अब ये क्या करेगा, ये बटन के क्लिक होने पे, ये बटन के क्लिक होने पे मुझे आउटपुट देगा 25, एक पॉपअप क्रिएट कर देगा जिसमें लिखा होगा 25। तो मैं अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसको, पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट हुआ है, इस बटन के क्लिक करने पे मुझे चाहिए था कि 25 डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ कि 25 डिस्प्ले होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब फंक्शन कॉल हुआ है। तो मैंने उसे कॉल अलग तरीके से किया है, यहाँ पे मैंने एक इवेंट बनाया है और उस पर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 × 5 कर देता हूँ तो बटन के क्लिक होने पे मुझे 50 डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे 50 डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों जो इनपुट है वो खुद से ही ले रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऐड में कोई आर्ग्यूमेंट देना है और फिर फंक्शन परफॉर्म करना है
तो आपको स्क्रिप्ट पहले लगानी पड़ेगी, इस बटन के पहले स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, तो क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, एन पहले से डिफाइन होना चाहिए एक वेब पेज के लिए, तो उसके लिए आपको एन पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट ऊपर आनी चाहिए, एन के लिए स्क्रिप्ट ऊपर आनी चाहिए। अब मुझे चाहिए कि मैं अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस को रखता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो n है ये डिफाइंड हो जाए, तो आप इसे यहाँ पे कॉपी कर लीजिए यहाँ पे और पेस्ट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये फंक्शन के अंदर ही इनपुट लेके उसी को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ ऑन क्लिक मैंने एड n डाला है, तो अब n को खुद ही ले लेते हैं, और यहाँ से हमें n हटाना पड़ेगा क्योंकि n डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से मैं सेव करके इसको सेव करके मैं रन करूँगा। अब देखते हैं जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो जो n मैंने फंक्शन के अंदर डाला है उससे आउटपुट में क्या चेंज आता है। मैंने पेज रिफ्रेश किया और क्लिक में पे मैंने क्लिक किया और n को मैंने डाल दिया 9, तो अब देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 45, मतलब उसने परफॉर्म किया है n इनपुट लेके उसी के ऊपर परफॉर्म किया है एक्शन। तो यहाँ मेरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, और मैं यहाँ पे अगर n को 1 डाल दूँ तो आउटपुट 5 आ गया, तो ये सही काम कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेकर आऊँ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, यही वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, सेम चीज़ हो लेकिन अलग इवेंट पे। तो मैं यहाँ पर से बटन हटा दूंगा और ये क्लिक बी को मैं कट कर दूंगा और इस पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही मैं एक इवेंट डाल देता हूं जिसका नाम है ऑन माउस ओवर। ये फंक्शन है कि जब भी मैं क्लिक मी के ऊपर अपना माउस का कर्सर लाऊंगा, जब भी मैं कर्सर लाऊंगा इसके ऊपर तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं ये फंक्शन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन माउस ओवर, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर माउस को लाऊं तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला सेम फंक्शन कॉल हो जाएगा, वही चीज़ है लेकिन हमने सिर्फ इवेंट बदला है इसमें, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। तो अब देखते हैं कि हेलो क्लिक मी के ऊपर मैं जब माउस ले जाऊंगा, जब अपना कर्सर ले जाऊंगा तब क्या होता है। तो अब देख सकते हैं फंक्शन कॉल हो गया, इसने मुझसे n के लिए पूछा है, तो हम n डाल देते हैं 4, आउटपुट आया 20, मतलब फंक्शन कॉल हो गया। तो जब भी मैं क्लिक मी के ऊपर माउस लाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल होते जाएगा, फिर से माउस लाया तो कॉल होते जाएगा। ये चीज़ आप लूप से नहीं कर सकते, लूप में आप इवेंट नहीं डाल सकते हैं, जो कि आप सिर्फ फंक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि जो इवेंट हैंडलिंग होता है उसमें आप सिर्फ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप लूप के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो फंक्शन का नाम देने के बाद आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इवेंट हो गया ऑन माउस ओवर, और यहाँ पे भी हम ऑन क्लिक भी डाल सकते हैं, ऑन क्लिक, तो जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये फंक्शन कॉल हो गया, 7 डालूंगा तो आउटपुट आया 35। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक मी के ऊपर तो आउटपुट यही आ रहा है। तो कुछ इवेंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए, और भी बहुत इवेंट्स होते हैं, ऑन चेंज, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं उसे, बहुत ईजी इवेंट्स हैं, ऐसे ही करके ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फंक्शंस का जो बेसिक पार्ट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बिगिनर्स कोर्स में मुझे नहीं लगता कि फंक्शंस में इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बताऊँगा तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि फंक्शंस बिगिनर्स के ट्यूटोरियल का सबसे लास्ट पार्ट है, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, और इसके आगे अगर मैं बढ़ूँगा और इसके आगे बहुत कुछ है, अगर मैं मुझे पी टैग के अंदर ही एक और पी टैग बनाना है, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया तो एक बटन और ऐड हो जाएगा, और इसी पी के अंदर मुझे बटन्स ऐड करते जाने, उसके लिए मुझे टेक्स्ट नोट्स, चाइल्ड नोट्स, पेरेंट नोट्स, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा।
तो वो ये बिगनर ट्यूटोरियल के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं फंक्शंस को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स को भी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो बिगनर्स कोर्स था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। फंक्शंस ही आखिरी पार्ट थे। इससे आगे अगर मुझे बढ़ना है, इससे आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आगे भी बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेजॉरिटी जो भी बोलेगी, जो भी कमेंट्स में सबसे ज़्यादा फेवर में होगा या नहीं होगा, तो उससे ही मैं चूज़ करूँगा और फिर आगे देखते हैं कि इसे इस कोर्स को आगे बढ़ाना है या नहीं। बिगिनर्स कोर्स में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कोर्स समझ में आया होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। आपको बेसिक आइडिया तो मिल ही गया होगा इतने सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद। और फंक्शंस में बस इतना ही, जावास्क्रिप्ट में इतना ही। आगे भी मैं कोर्सेस लाता रहूँगा, जावास्क्रिप्ट में नहीं तो और किसी लैंग्वेज में। जावास्क्रिप्ट में भी अगर आप एडवांस कोर्स चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, वो भी मैं कर दूंगा, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल तो जावास्क्रिप्ट में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है या सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उनके अगर मुझसे हो सका तो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।